लोगन की हिसाब का जरा बिल तो बनाई थी। और तुझ जैसा जो भी आए उसका मुफ्त में हिसाब किताब कर दिया करूं। ये ले शारदा का बिल, ये प्रताप का बिल, जाओ घंटी बजाओ और वसूल कर लो। जी बाबूजी, जी। कौन है भाई? बिजली, तुझे कितनी बार मैंने ताकीद की है कि जब सुबह कपड़े लेने आया कर तब मेम साहब को जगाया कर, और जब शाम को कपड़े देने आया कर तब मुझे बुलाया कर। हाँ हाँ, जानत है बाबूजी, जानत है। हमरी याददाश्त के धोबी खाट पर सब छपा हुआ है, मगर तुमको इसलिए बुलाया है कि आज कोई ऐसन वैसन सुबह नहीं, आज तो 2 तारीख है, 2 बिल चुकाने का दिन। अरे हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है 2 तारीख की तरह बिल चुकाना, लेकिन ये सारे के सारे बिल तुम मेरे हाथ में क्यों थमारी है? मुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मैं सिर्फ अपना बिल दूंगा, बाकी के बिल तुम्हें सब दिया। अरे ठीक है, इमा भट्टी के कोयले की तरह लाल होने की क्या जरूरत है? तुम अपना बिल चुकाई क्यों, उनका बिल हम ले लेंगे। बीबी जी, बिल क्या है? आप अपने बिल में झांकिए। हाँ, झांकता हूँ। ये बिजली तुम्हारे पैसे। अच्छा बाबूजी, बिल ये मेरा नहीं है। है? अरे बिजली, मेरा बिल इतना कैसे बढ़ गया? हाँ क्या, कल सुबह आकर ले जाना। अरे बीबी जी, बिल ये मेरा नहीं है। अरे बीबी जी, ए लियो, कपड़ा ई के घर का धुला था और बिल देने को कौन तैयार ही नहीं। बाबूजी का अखबार बाजत हो? नहीं, पहली क्लास की परीक्षा देनी है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। बाबूजी, हम तुमका एक और तकलीफ देने आए हैं। तुम्हारे बेटा तो अपना बिल दे दिया, बहू ने बिल देने के लिए कल बुलाया है, मगर बाबूजी, बाबूजी ये जो बिल है ना, इसको चुकाने का कोई नाम ही नहीं लेवत। जाहिर बात है, बेटे ने सोचा होगा कि बाप रिटायर होकर बैठा है, उसके सर पे थोप दो। ला बिल्ला, मैं अभी फैसला करता हूँ। जी बाबूजी। क्या है पिताजी? आप और ये बेल? बेल नहीं, बिल। कौन सा बिल? ये मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? दिन रात नौकरी के चक्कर में पड़े रहते हो। 8 साल पहले तुम दोनों की शादी हुई थी, ये मालूम है। तुम दोनों मियां बीवी हो, ये मालूम है। 5 साल की तुम्हारी एक बच्ची है, ये नहीं मालूम। और वो बच्ची सीमा घर की सीमा से बाहर हॉस्टल में रहती है, ये भी नहीं मालूम। अरे कुछ दिन पहले वो बच्ची अचानक तुम दोनों को मिलने के लिए आई थी, जोरों की बारिश हो रही थी, सर से पांव तक भीगी हुई थी, और वो भीगे हुए कपड़े मैंने धुलने के लिए दिए थे, ये तो मालूम है। सॉरी पिताजी, मैं जरा भूल गया था। किसको? बिल्कुल, या बच्ची को? तेरे मेरे के चक्कर में दुनिया ऐसी फंसी है कि अपनी असलियत भूल गई। मैं जानता हूं कि दोनों नौकरी क्यों करते हैं, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में, लेकिन उस मासूम बच्ची को हॉस्टल में दाखिल करवा देना, उसके बाद उसे भूल जाना, ये कहां का इंसाफ है? बिचली तू बता, जब एक गाय का बछड़ा मर जाता है तो वो कितनी दीवानी हो जाती है, इसलिए उसका दिल बहलाने को उसके सामने घास का बछड़ा बना के रख दिया जाता है, ताकि वो उसके गम में मर ना जाए। लेकिन बिचली तूने कभी जिंदा बछड़े को भुला देने वाली 2 घास की गायों को देखा है? नहीं। तो अब देख ले। प्रताप और शारदा मिलकर ऑफिस जाते हैं, दोनों मिलकर घर बार चलाते हैं, दोनों मिलकर कमाते हैं, दोनों मिलकर खर्च करते हैं, लेकिन ये मत पूछिए कि दोनों मिलकर सुखी हैं या नहीं। झटके क्यों मार रही हो? बाल धोए हैं ना, इसलिए। खुशी की बात है। नाश्ता तैयार करूं? शुभम, शुभम। क्या बनाऊं, कीमा या ऑमलेट? खिचड़ी। मिर्ची की चटनी या खोपरे की चटनी? अचार। आम का या नींबू का? मिर्ची का। और सुनो, साथ में दाल। मूंग की या मसूर? चने की, चने की। अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रही हैं आप? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुर्ता दे दो ना। कौन से रंग का, सफेद या नीला? क्रीम। ये लो। कुर्ता ले आई। गुड गुड गुड। बाजार जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा। खुशी की बात है। तो आते वक्त सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए फूल ले आऊं। शुभम, शुभम। तो फूल कौन से ले आऊं, चंपा या गुलाब? चमेली। फूल लाने के लिए कह रही हूँ। भाई ये भी तो पूछ सकती हो कि क्यों रे, किस खुशी में? क्यों रे, किस खुशी में? दरअसल गलती मेरी है, मुझे तुम्हें ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी। सीता, आज से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, सभी बच्चे अपने अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए 2 महीने के लिए मेरी ट्यूशन की दुकान बंद।
अब दोबारा स्कूल खुलने तक मेरी जेब फूल खरीदने की इजाजत देती है नहीं भाई, ये बात मुझे मालूम नहीं। इसलिए आज मैं 2 महीने के फूल एडवांस में ही खरीदने जा रहा हूँ। अरे जाने भी दीजिए ना, बालों में फूल न लगाने से कौन सा कल से सूरज उगना बंद कर देगा। आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, मेरे लिए आपकी हंसी फूलों के समान है। आपकी कही हुई बातों में फूलों से बढ़कर खुशबू है। आप उन पैसों से फूलों के बजाय सब्जी ले आइए, खाने की तो काम आएगी। ले आऊंगा। डिग्री हासिल करने पर भी राम बाबू नौकरी ना हासिल कर सका, इसलिए घर घर जाकर प्राइवेट ट्यूशन करता है। सीता के पास भी डिग्री है, लेकिन उसने वक्त के साथ समझौता करके अपना घर संसार चूल्हा चौका संभाल लिया। सब लोगों के लिए दिवाली का त्योहार साल में एक बार आता है, मगर इन दोनों के घर हर रोज दिवाली है। पटाखों की जगह मीठी बातें करके दीप और फुलझड़ी की जगह अपना चूल्हा जलाते हैं। माँ क्या है बेटी, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ बेटी, प्रसन्न कपूर के घर, उनकी बेटी की गोद भरी जा रही है। पास में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए पूरियां तलने के लिए बुलाया है। माँ कोयले वाला आया था, पैसों के लिए बहुत तकाजा करके गया है, बहुत शोर मचा रहा था। माँ कोयले वाला, तू क्यों फिक्र करती है, शाम को उसका कर्जा चुका देंगे। किराने वाले को भी पैसे नहीं दिए माँ, पिछले 2 महीने का उधार बाकी है। उसे भी शाम को दे दूंगी। घर का किराया भी देना है माँ। तू बिल्कुल चिंता मत कर, शाम को किराया भी दे दूंगी। इस बर्तन में बहुत गंदे पड़े हैं ना, सोचती हूँ इसे ठीक करने के लिए दे दो। मेरे अंगने में तुम, अरे माँ मैं कब से तुझसे सिर्फ 50 रुपए मांग रहा हूँ, मगर तू दे ही नहीं रही है। ला जल्दी देना, कब देगी? किस लिए चाहिए इतने रुपए तुझे? उफ़ माँ कितनी बार बताऊँ, कराटे क्लास की फीस भरनी है, मैं क्रिकेट क्लब का मेंबर हूँ ना, उसकी सब्सक्रिप्शन भरनी है, और अपने सुपरस्टार है ना अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटने का प्रोग्राम बनाया है, उसके लिए चंदा देना है। गरीबों को अनाज बांटने के लिए? क्या चंदा भी गरीबों से ही लिया जाएगा? हम भी तो गरीब हैं, तू कब अपने पैरों पे खड़ा होगा, कब कमाकर खिलाएगा? अरे माँ ये तुम दुर्गा कोटे जैसे फिल्मी डायलॉग मत बोलो, पैरों पर कब खड़ा होगा, अरे अब क्या मैं सर के बल खड़ा हूँ? लाला जल्दी पैसे देना। शामू फजूल जिद करके माँ को परेशान मत कर, अभी जा, माँ तुझे भी शाम को पैसे देगी। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आई एम गोइंग। माँ ये बर्तन इस बर्तन से भी बड़ा है, इस पर गड्ढे भी बड़े हैं, शाम को इसे ठीक करके लाना। ये लक्ष्मी है, नाम तो लक्ष्मी है मगर शायद लक्ष्मी इससे रूठी हुई है, इसके पास आती ही नहीं। जब तक इस लक्ष्मी के हाथ काम न करें तब तक के हाथ में रोटी का निवाला नहीं आ सकता। इसके माथे की बिंदिया और गले का मंगलसूत्र बताता है कि ये सुहागन है, तो आइए उस महापुरुष के दर्शन भी कर लें जिसने लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र बांधकर इसे सुहागन बनाया है। ये है वो महापुरुष, उम्र 55 साल मगर हर साल बेकार, बिना किसी मकसद के बिना किसी काम के गली गली घूमते रहते हैं, मुंह में जो आया बक दिया, हाथ में जो आया खा लिया, और जो मिला उससे बेकार की बातें करके उसका सर दुखा दिया। पुराने जमाने की बीए की डिग्री है, इनका नाम विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री है। इन्होंने जिंदगी में कभी काम किया ही नहीं, क्योंकि पहले तो इन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली, और जो मिली वो इन्हें पसंद नहीं आई। यहाँ से अच्छा नारियल ले गई, घर से सड़ा हुआ नारियल ले आई, मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? अरे बुढ़िया 2 रुपए के लिए झूठ, चल अपना ईमान खराब मत कर, चल भाग यहाँ से। अरे ओ माटी मिले, तू बेईमान, तेरे होते सोते बेईमान, भगवान करे तेरा सर इसी सड़े हुए नारियल की तरह सड़ जाए, तेरा भेजा सर कर पानी बनकर नाक कान मुंह से बह जाए। अरे जा जा, जिस दिन से ये दुकान खोली है उस दिन से सुबह से शाम तक लोग हजारों गालियां देते हैं, सड़ना होता तो कब का सड़ गया होता। ये चकली कैसे थी भाई? 2 के 20 पैसे। 2 का 20 पैसा? बचपने में तो 10 पैसे में 1 मिलता था, अभी 20 पैसे में 2 मिलने लगे, क्या जमाना आ गया है यार। अच्छा काम करो, 2 चकली दो, तुम ये लीजिए। ये केला क्या भाव दिया? 20 पैसे का 1।
यार तुम बहुत सस्ता माल बेचते हो, घर में कुछ बचता होता है कि नहीं? एक काम करो, ये दो चकली लो और एक केला दो। ये लीजिए। मीठा घर के बाहर का है क्या? जी नहीं, वसई से मंगवाया। अच्छा अच्छा अच्छा, केला मुंह में जाते ही एड्रेस बता रहा है कि वसई से आया है। वसई के केले बहुत अच्छे होते हैं, तुम भी रोज खाया करो, पेट साफ रहा करेगा। चलता हूँ। अरे भाई साहब, पैसे? कैसे पैसे? केला नहीं खाया क्या? तो चकली नहीं लिया क्या? तो चकली के पैसे? अरे तो चकली तो मैंने वापस कर डाली। अरे सीधा हिसाब है यार, चकली मैंने लेके लौटा दी, उसके बदले केला लिया, तो केले की कीमत चकली हुई, चकली तुम्हारे पास है तो केले की कीमत चकली, और चकली की कीमत केला, तो बीच में पैसा कहाँ से आया? तुम सीधे से दुकान चलाओ ना, दुनिया लूट के ले जाएगी। तुम हिसाब करो, वापिस आता हूँ। चकली केला, केला चकली, बीच में कुछ गड़बड़ है। अरे भाई साहब, ए भाई जल्दी करो ना, इतना टाइम लगा रहे हो यार, 10 लीटर पेट्रोल भर दो। मेरा नाम मिस्टर नहीं है सिस्टर, मेरा नाम राजा है, लेकिन हालात प्रजा से भी ज्यादा खराब। बीकॉम फर्स्ट क्लास पास हूँ, हैदराबाद का रहने वाला हूँ, शराफत, तमीज और ईमानदारी का चाहने वाला, लेकिन आज तक एक भी ढंग की नौकरी नहीं मिली, इसीलिए मजबूर होकर पेट्रोल भरने का काम करता हूँ, इस पेट के जहन्नम को भरने के लिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी, बड़ी नवाजिश होगी अगर आप मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी दिलवा दे तो। साहब स्पोर्ट्समैन भी अच्छा हूँ, क्रिकेट में फास्ट बॉलर हूँ, फुटबॉल का गोल कीपर हूँ, साथ में ड्राइविंग का लाइसेंस भी है मेरे पास। बस साहब आप बुकपेयर का लाइसेंस दिलवा दीजिए प्लीज, कहीं से काम दिलवा दीजिए साहब। तो क्या सोचा साहब मेरे बारे में? देखो भाई, मैं भी मुद्दत से तुम्हारी तरह नौकरी तलाश कर रहा हूँ। तुमने बीकॉम किया है, मैंने एमकॉम पास किया है, ये पुरानी खानदानी कार है, रोजाना इसी में बैठकर नौकरी तलाश करता फिरता रहता हूँ। मेरे पास ये सिर्फ 10 लीटर के पैसे हैं। दुआ करो अगर मुझे नौकरी मिल गई तो तुम्हें पार्टी दूंगा, वरना इस कार को साहूकार के पास गिरवी रख के तुम्हारे पास चला आऊंगा। तुम अपने मालिक से सिफारिश करके मुझे भी यहाँ रखवा देना, यहाँ कोई जगह खाली है? अगर तुम छोड़ रहे हो तो मैं आता हूँ। अरे जाओ साहब जाओ, मैं आपसे नौकरी मांगना उल्टा मेरी नौकरी वाला के चक्कर में। वाह, 1 लीटर डालना तो बोलो, पैसे कैसे आ जाते हैं? मैं काफी देर से लाइन में खड़ा हूँ और देख रहा हूँ तुम हर गाड़ी वाले से नौकरी मांगने या दिलवाने की बात कर रहे हो, फिर मुझसे क्यों नहीं करते? तुमसे क्या मांगू भाया, जिस पेड़ पर पत्ते ही ना हो उसके नीचे धूप से बचने कौन रखेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि जो आदमी 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहा है वो मुझे काम के हाथ देगा। यही मार खा गए बच्चों तुम, ये दुनिया बड़ी टेढ़ी है, जो दिखती है वो है नहीं और जो नहीं है वो दिखती है। दिखावे के बपके वाले को तुम अमीर समझ बैठे और मुझ जैसे सीधे साधे को गरीब। जानते हो मैं कौन हूँ? शेख जमुना दास रायचूरा। कौन सा चूरा? रायचूरा। 2 बीवियां हैं मेरी, 3 बंगले हैं, 4 मिलों का मालिक हूँ, 5 कारें रखी हैं मैंने, लेकिन मैं कार सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, दिखावे के लिए नहीं। कार लेकर ऑफिस जाने में देर हो जाती है, ट्रैफिक में फंस जाती है, इसलिए मोपेड लेकर जाता हूँ। पैसे लाओ। मालूम है, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी पैदल भी चला जाता हूँ मैं। असली कारोबारी और धंधे वाले आदमी इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। गुड बाय। अरे शेख चूरा जी, ये है राजा, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाइए। मेरा नाम बी सेठ वकील चंद है, आज मैं इन सालों को मकान से निकलवा कर ही रहूंगा। क्या है कि मकान में रहने वाले मेरे किराएदार अच्छे लोग हैं, लेकिन ये ना ही तो किराया बढ़ाते और ना ही मकान से निकलते हैं, इसलिए मैं तुझे गुंडा बनाकर ले जा रहा हूँ ताकि तू उन्हें धमकी देना समझे ना। मैं कहूंगा मकान खाली करो और फिर कहूंगा पहलवान कांटा तू क्या करेगा? मैं एक एक को अपने दांतों से काट डालूंगा। अबे साले, तुझे गुंडा बनाकर लाया हूँ कि कुत्ता बनाकर लाया हूँ? ये क्या किया तुमने? जब मैंने तुझे दादागिरी का एडवांस दिया था तो तेरी इतनी लंबी लंबी मूछे, वो मूछे कहाँ है? साहब तब कड़की थी ना, इसलिए मूछ बढ़ाया था, आपने पैसे दिए कटवा दिया। लो बताओ, जिन मूछों के लिए मैंने तुझे किराए का गुंडा बनाया था वही मूछे साफ कर दी, अब तुझसे कौन डरेगा? चलो चलाओ। अंदर कौन है? बाहर निकलो किराएदार। अरे सेठ जी आप आइए आइए, बहुत दिनों बाद आए। चाची कैसी है? ठीक तो है ना? अरे हाँ, सुना की बेटी ज्ञानी हो गई है, शादी कर डाली उसकी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत सा काम करना है। अरे ये लड़का कौन है? बहुत शर्मिला है बेचारा। अबे ओ साले उल्लू के पखे, मैं तुझे खूनी गुंडा बनाकर लाया हूँ, वो तुझे लड़का कहकर चलेगी, शर्मिला बनाकर चलेगी, चल
आइए आइए सेठ फकीरचंद जी आइए। वहाँ घर में हमारे बदनसीबी की लानत है, कभी हम उनको कभी अपने सड़े हुए घर को देखते हैं। बहुत दिनों बाद आए, कहाँ थे? जेल में थे क्या? हाउ डू यू डू? डू मैं इस मकान का मालिक हूँ। अरे लानत भेजो मकान पर उसके मालिक पे। ए लड़के सुन, तेरा भाग के गली के नुक्कड़ पे जा, 10 पैसे की बीड़ी लेकर आ। तू कौन सी लाऊं जी, घोड़ा छाप या बैल छाप? अरे गधा छाप भी चलेगी, छाप कौन देखता है, जिसमें भाप निकलती वो लेकर जा। मगर पैसे तो दीजिए। अजीब बेवकूफ आदमी, मेरे पास पैसे होते तो तेरे को आगे भेजता। कैसी भी चक्कर चला के एडजस्ट करके ले आ जा। एडजस्ट करके अभी लाता हूँ। अबे ओ हरामखोर की औलाद, शर्म नहीं आती बीड़ी लाने जा रहा है? ये क्या, तुम्हारे लिए बीड़ी लाने के लिए यहाँ आया है? तो फिर काहे के लिए आया? मकान खाली करना है। मगर तुम तो अपने मकान में रहते हो, खाली क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं, तुम्हें खाली करना है। हमें? अरे माना कि तुम जलील हो, लिचड़ हो, निकम्मे हो, खराब हो, मगर तुम्हारा मकान तो अच्छा है, तुम्हारा बदला मकान से क्यों ले? नहीं नहीं, हम लोग ये रहेंगे, तुम जाओ। मैंने इस मकान को बेचने का फैसला कर दिया है। ये तो बड़ी खुशी की बात हुई, चलो जान छूटी तुमसे। मगर किसी अच्छे आदमी को बेचना, अपने जैसे लिचड़ को मत बेचना। और जिससे बेचोगे उसे कहना क्या कि हमसे मिल ले, फिर हम किराया उसको देंगे। हाँ चलो जाओ। अरे फकीरचंद जी, बड़े दिनों बाद आए, सब ठीक तो है ना? ये कौन है? अरे विनोद, ये मुझकी मुंडाई, और ये लाल बनियान, ये चौकड़ी वाली लुंगी, ये हाथ मिलाटी, तू तो एकदम गुंडा लग रहा है। लगना से मतलब ये है ही गुंडा? क्या बात कर रहे हैं, ये मेरे ऑफिस में चपरासी का काम करता है, रोज सबसे मार खाता है, मेरे पास रोता हुआ आता है। ए क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये साहब मेरे को बोले कि इनको आपके घर का रास्ता दिखाओ, वही मैं दिखाने को आया था। मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। अबे ओ! और बताइए फकीरचंद जी, क्या खबर है? अब क्या बताएं, सब किए किराए पर पानी फिर गया। देखिए जो भी कहना हो साफ साफ कहिए, आपस में बैठ के प्रॉब्लम हल कर लेते हैं ना। तो ठीक है, मैं एक ही लफ्ज में कह देना चाहता हूँ कि अब तुम लोगों को ये मकान खाली करना होगा। और मैं भी एक ही लफ्ज में आपको कह रहा हूँ कि मैं ये मकान खाली नहीं करूंगा। क्यों? ये मकान तो मेरा है। लेकिन किराया हम देते हैं। अरे बड़े आए, किराया देने वाले क्या किराया देते हैं? अरे ऋषि बाबू, आप इंसाफ कीजिए ना, पिछले 20 बरस से आप सिर्फ 20 रुपए देते आ रहे हैं, एक पैसा भी नहीं बढ़ा। इस मकान में आने के बाद आपको 2 बच्चे पैदा हुए। मुझे नहीं, मेरी बीवी को। हाँ वही, अगर दोनों बच्चों के हिसाब से हर साल आप 1-1 रुपया बढ़ा देते तो अब तक कितना किराया बढ़ गया होता? हाँ करेक्ट, बढ़ गया होता। और मेरे घर में जब मेरी पहली संतान ने जन्म लिया तो मुझे ऐसा लगा कि घर का एक मेंबर बढ़ गया है, तो फकीरचंद का 1 रुपया किराया बढ़ा देना चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ाया? मेरी माँ का देहांत हो गया, अब 1 साल में एक ने जन्म लिया तो दूसरा मर गया, तो मर्दों शुमारी है ना, जनगणना के हिसाब से एक घटा दूसरा बढ़ा, तो हिसाब वही का वही रह गया, इसलिए नहीं बढ़ाया। क्या धर्मराज, उसके बाद जब तुम्हारा बेटा शामू पैदा हुआ था तो फिर क्यों नहीं बढ़ाया? उस वक्त कौन मरा था? तुम्हारा बाप मर गया था। क्या कहा? याद करो जिस साल मेरा बेटा पैदा हुआ था उस साल तुम्हारा बाप मरा था कि नहीं? तो मैंने सोचा कि अगर मेरे घर में कोई बढ़ा तो तुम्हारे घर में घट गया, मतलब खर्चा घट गया, तो फिर किराया बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए नहीं बढ़ाया। इसीलिए तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता, हमेशा उल्टी सीधी बातें करके दूसरों का दिमाग बिंब की तरह चाट डालते हो। सेठ फकीर चंद कचरादार, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देता तो उसमें मेरी नहीं उन लोगों की बदकिस्मती है। जैसे आज तुम मुझे मकान से निकाल रहे हो तो उसमें मेरी नहीं तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। अरे मेरे भाई, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ कि भगवान के लिए मेरे ये मकान खाली कर दो। देखिए उनमें और हम में बहुत फर्क है, वो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं और हम 5 साल से। चाय। शुक्रिया। आपके लिए नहीं, इनके लिए। सेठ जी, जब हम नए नए आए थे तो आप हमसे 150 रुपए भाड़ा लेते थे, जब जब आपने भाड़ा बढ़ाया हम देते रहे, यहाँ तक कि अब हम आपको 350 रुपए भाड़ा देते हैं। उसके बावजूद आपने इस मकान की हालत में कोई सुधार नहीं किया। चलिए जाने दीजिए, हम उसकी भी परवाह नहीं करते। अब भी अगर आपको भाड़े में 5-10 रुपए बढ़ाने हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मकान छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं। एक आर्ट्स कॉलेज, दो 50 पैसे की टिकट के लिए 50 रुपए के नोट क्यों निकाल रहे हो? सीटी मारो या कुछ और मारो, मैं यहाँ से नहीं उतरने वाला। ये बात है, ये लो। अब बैठे रहो, शाम तक ये बस आगे नहीं जाएगी। चाचा का राज है, ठीक है बस आगे नहीं जाएगी, हम नहीं उतरेंगे। अरे क्यों जिद कर रहे हो यार, इंटरव्यू देने जाना है, देर हो रही है, स्टार्ट करो ना बस। चलो कंडक्टर साहब प्लीज, कॉलेज को देर हो रही है।
अभी हम क्या करेगा, जब तक ये पैसा छुट्टा देगा नहीं हम बस आगे बढ़ाएगा नहीं। ये दोनों भाई क्यों जिद करते हो? कौन उल्लू का पट्टा जिद कर रहा है? भाई साहब मेरे पास छोटे पैसे नहीं है, सारे हिंदुस्तान के छुट्टे पैसे सारी रेजगारी काले बाजारियों ने पिघला डाली है। अब आप सरकार से कहिए कि 54, 58 या 10 पैसे के नोट छापें। अब देखो ना, ये महाशय सरकारी आदमी है ना, जब इनके पास छोटे पैसे नहीं है तो मेरे पास कहां से आएंगे? मत चलाओ गाड़ी आगे, तकिया भिजवा दो, यहीं सो जाएंगे। अरे अकेले क्यों सोते हो, पूरे खानदान को बुला के सुना दो ना। कंडक्टर अपनी जबान की लगाम को पकड़ में रखो, बहुत बकवास उगल रही है। ये बस छोड़िए, फकीरों का यतीम खाना है। मारता दादा क्या क्या अपने झगड़े में क्यों दूसरों का वक्त बर्बाद करते हो? यहाँ सबको जल्दी पड़ी है, किसी को नौकरी पर जाना है, किसी को इंटरव्यू पर और किसी को कॉलेज। ये लीजिए 50। अरे, अरे मगर आप क्यों पैसे देनी है? प्लीज, अगर आप शरीफ आदमी हैं और दूसरों की तकलीफ समझते हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे। ये लीजिए 50 पैसे, इन्हें टिकट दे दीजिए और ड्राइवर से कहिए बस स्टार्ट करें। चलिए जल्दी। शायद आप आर्ट्स कॉलेज जा रही हैं? जी हाँ जी, मैं भी वहीं उतर रहा हूँ। मैं पैसे छुटा कराकर आपके पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। देखिए आप 50 पैसे के लिए मुझे फकीर बना रही हैं। भाई जल्दी। मैडम मैडम एक मिनट के लिए आइए, मैं छुटे कराकर आपके पैसे दे देता हूँ। भाई साहब आपको तकलीफ तो जरूर होगी, मगर दोस्त 50 का छुट्टा मिलेगा। अरे भाई अभी अभी सुबह सुबह दुकान खोली है, तुम्हें 50 रुपए का छुट्टा कहाँ से दूँ? एक काम करो, वो सामने होटल है वहाँ चले जाओ, तुम्हें छुट्टा मिल जाएगा। क्या होटल वाला मुझे छुट्टा दे देगा? अरे भाई जरूर देगा, अगर नहीं देगा तो एक कप कॉफी पी लेना, छुट्टा मिल जाएगा। गुड आइडिया, चलिए आइए मेरे साथ। देखिए देखिए, मुझे ना पैसे चाहिए ना कॉफी, मैं जा रही हूँ, मुझे कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही है। अरे आप मत पीजिएगा, मैं पी लूंगा, लेकिन एक मिनट के लिए आइए तो सही। बोलो साहब क्या लाओ? एक कॉफी। और आप क्या लेंगे? यहाँ पे इडली और डोसा बहुत टेस्टी मिलता है। ओ भाई इधर इडली बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं मिलता है क्या? अजीब बात है, पहले तो मिलता था ना, मैं खुद कई बार यहाँ खा कर गया हूँ। ये भाई फेंकने को सुबह सुबह मंच मिला क्या? ये होटल चालू हो गया खाली 1 हफ्ता हुए ना, पहला इधर चावल का चक्की था क्या? नहीं मांगता है तो अंडा परोठा मिलेगा। क्यों इज्जत का पॉलिश उतर रहा है? ठीक है कॉफी। कॉफी ले आना। दो में एक काफी, क्या काफी है? जाना भाई। अभी लाया। अभी याद आया, मैं जो होटल समझ कर यहाँ आया था ना, ये वो होटल नहीं है, वो होटल यहाँ से 100 दुकानों के पीछे है। 100 दुकान पीछे की तरफ होटल नहीं, मेरा कॉलेज है कॉलेज। लीजिए साहब कॉफी। थैंक यू। नो थैंक यू। अरे कैंडी मत लगा, ये चाल बहुत पुरानी हो चली है, 10 रुपए का नोट लेकर 1 कप कॉफी पीने चला आया है। मैंने कोई अंदर छुट्टा छापने की मशीन नहीं लगा रखी है, जल्दी से छुट्टा दे नहीं तो 2 फ्लैट तक अंदर बर्तन धोने पड़ेंगे, समझे? ये तो कॉफी पीकर 10 रुपए का छुट्टा नहीं दे रहा है, मेरे 50 रुपए के नोट का कहां से देगा? काम कर दो और माल मंगा दो। अरे भाईजान जरा सुनो। बोलिए साहब। 1 प्लेट अंडा परोठा और मुझे पार्सल में कॉलेज को देर हो रही, जल्दी करना। 2 मिनट सर, 2 मिनट। ओह माय गॉड। हाँ साहब, मैं एक कॉफी पीकर 50 रुपए के नोट का छोटा नहीं करा रहा, पूरे 7.5 रुपए का माल खरीदा हूँ। ये देखिए बिल, अब तो छुट्टा मिलेगा ना। देखिए साहब आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आजकल लोगों ने छुट्टा कराने का ये नया तरीका बना लिया है, 5 या 10 का नोट लेकर आते हैं और छुट्टा कराकर चले जाते हैं। बहुत बुरी बात है साहब, बहुत बुरी बात है। जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ जल्दी कीजिए भाई। और नोट? हाँ नोट। ये क्या है? नोट। नोट ये फटीला पुराना कोट, दूसरा नोट निकालो। मेरे पास दूसरा नोट नहीं है। तुम दोनों मिलकर ये फांदेबाजी का धंधा कब से चला रहे हो? फांदेबाजी? क्या बात कर रहे हैं? क्या आपको हम लोग फांदेबाज लग रहे हैं क्या? बिल्कुल, दूसरे नोट निकालते हो या नहीं? अरे हाय। ठहरिए ठहरिए, ये लीजिए, जल्दी कीजिए। ये लीजिए। देखिए मुझे गलत मत समझिए। खामोश, तुम्हारे जैसा जिद्दी और बेवकूफ आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं मना कर रही थी कि मुझे मेरे 50 पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 50 पैसे लौटाने के चक्कर में उल्टा 8 रुपए का नुकसान कर दिया। मैं ये पैसे अपनी फिजिक्स किताब खरीदने के लिए लाई थी,
बुक ना खरीद सकी वो अलग, बेइज्जती हुई वो अलग। देखिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ पेट्रोल पंप चलिए, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अब भी तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे पेट्रोल पंप तक चल पड़ूं। प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़िए। मगर आपके आपके पैसे, मैं समझूंगी किसी जेब कतरे ने मेरी जेब काट ली। ये है शहर के बड़े बड़े लोग जिन्होंने आपको इलेक्शन में जितवाने का वादा किया और इन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। इनका विश्वास है कि आपने जो इनके साथ वादा किया है उसे जरूर पूरा करेंगे। अब चलिए, अब मैं एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूँ जो कुर्सी मिलने के बाद आपके काम आएगा। बड़ा ही जादूगर आदमी है, आपके पैरों में जवानी के ताजे फूल बिखेर देगा। चलिए। अच्छा हाँ? चलिए। तो ये साहब है आपकी तारीफ जी। अपन जनता का सेवक है, गरीबों की भूख मिटाता है, उन पर बोझ बनने वाली उनकी बहू बेटियों को उठवाकर अमीरों की गोदी में बिठवाता है, यानी कि तुम जैसे बड़े लोगों की भूख मिटाने का सामान मुहैया करता है। मगर तुम्हारे काम से हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं पैदा होगा? अजी कैसी बातें करते हैं आप, अपुन के पास खतरे की फैक्ट्री है, इधर से खतरा डाला उधर से आसानी बनकर बात टपक पड़ती है। कभी आजमा लो। तुम्हारा नाम? लियो। दुनिया कहती है लियो, हजार साल जियो। हजार साल जियो, और जब तक है लियो तुम लोग खाओ पियो ऐश करो और जियो। सलाम साहब। ये लो चाबी, 5 लीटर पेट्रोल डाला। साहब साहब मेरा नाम राजा है, मैं एक मिनट मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम राजा है, तुम बीकॉम पास हो, वो भी फर्स्ट क्लास, हैदराबाद के रहने वाले हो, कोई अच्छा काम नहीं मिला इसलिए मजबूरन पेट भरने के लिए यहाँ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करते हो, ठीक है? एकदम ठीक साहब, मगर आपको कैसे मालूम पड़ा? वाह, अरे इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराते भराते तुम्हारे मुंह से तुम्हारी राम कहानी हजार बार सुन चुका हूँ, अब तो यहाँ आते हुए भी डर लगता है। अरे अरे तुमने तो 7 लीटर पेट्रोल डाल दिया। अरे सॉरी सर। सॉरी और नो सॉरी मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ 5 लीटर के पैसे दूंगा। गलती होगी, माफ कर दो सर। अरे माफ कैसे कर दूं, मेरे पास कहीं सिर्फ 5 लीटर के पैसे। अरे 2 ही लीटर का तो सवाल है साहब। अरे साहब को गोली मारो, चलो ये लो अपने पैसे और मेरा रास्ता छोड़ो, चलो। साहब अरे क्यों डाल दिया ज्यादा पेट्रोल? जब तक तुम्हारे मुंह के टेप रिकॉर्डर में ये जबान केसर की तरह चलती रहेगी तब तक तुम ज्यादा पेट्रोल टपकाते रहोगे। कोई बात नहीं, मैं भी 2 लीटर के पैसे तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। दोबारा गलती नहीं होगी सर, माफ कर दीजिए। अरे अगर ऐसी गलतियां माफ करता रहा तो मेरा सर तो भरोसे साफ हो जाएगा। अब जाओ मुंह में टेप लगाकर सारी गाड़ियों में पेट्रोल भरो। आपका नंबर है, वो आपको बुला रहे हैं। दादाजी क्या हो गया? अरे क्या हुआ भाई? दादाजी क्या हुआ? सब सब क्या हुआ? सब लगता है इनको दिक्कत हो रहा था। घबराओ मत बच्चों, घबराओ मत, अभी इनको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। शाबाश नौजवान, तुमने इनकी सही वक्त पर मदद की। तुम अगर इन्हें यह हलाने में जरा सी देर कर देते तो हो सकता है ये रास्ते भी दम तोड़ देते। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। पहली बार किसी ने मुझे अंकल कहा, इतना प्यार किया तो अचानक दिल भर आया मेरा। अरे क्या हुआ? खैरियत तो है ना? आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे आज तकदीर को याद आ गया कि राम नाम का कोई इंसान इस दुनिया में रहता है जो सीता का पति है, इसलिए मुश्किल छट गई, आफत हट गई, बदनसीबी बट गई और नौकरी मिल गई। कविता छोड़िए और ठीक से बताइए कि क्या हुआ, कहाँ मिली नौकरी? विद्या ट्यूटोरियल कॉलेज। बहुत दिन पहले अर्जी की थी लेकिन आज इंटरव्यू देने गया। पूरे 40 कैंडिडेट्स थे लेकिन उनमें से तुम्हारे पति राम बाबू दर्द को चुन लिया गया। और जानती हो तनख्वाह कितनी? पूरे 500 रुपए। तभी सुबह से मैं कह रही थी मेरी बाया क्यों फड़क रही है। अरे अब तो सिर्फ आंख फड़की है तुम्हारी, थोड़ी देर में पूरी की पूरी फड़कने लग जाओगी। 3 बजे मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने के लिए बुलाया और साथ में 1 महीने का एडवांस भी दे देंगे। हाय बहुत दिन हो गए नोटों की सूरत नहीं देखी, आज देखने को मिल जाएगी। हे राम, अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना है। मैं कहां? मैं किस लिए? अरे पहले हम दोनों मिलकर कॉलेज जाएंगे, 5 मिनट में अपॉइंटमेंट ऑर्डर ले लेंगे, 500 रुपए एडवांस ले लेंगे, 5 कदम पर बाजार है, 5 बजे तक शॉपिंग करेंगे, 5 से 6 बजे तक घूमेंगे और 6 से 9 बजे तक पिक्चर मोहब्बत देखेंगे।
9 बजे के बाद हम दोनों मिलकर किसी अच्छे होटल में खाना खाएंगे, 9:45 में एक मीठा पान खाएंगे, उसके बाद घर आएंगे और 10 बजे के बाद टन टन। श्री विद्या ट्यूटोरियल कॉलेज। हाँ जी, जी हाँ, मैं प्रिंसिपल वरिंद्रनाथ बोल रहा हूँ। कौन? एमपी साहब जी, नमस्कार। यह सब आपकी कृपा है जी। जी, इंटरव्यू तो सब सुबह हो गए जी। एक राम बाबू नाम के युवक को अपॉइंट किया है जी। कोई आपका रिश्तेदार है? कोई बात नहीं, आप उसे भेज दीजिए, मैं उसे रख लेता हूँ जी। थैंक यू साहब। तुम अब आए हो? मैंने सोचा तुम्हें नौकरी में दिलचस्पी नहीं, इसलिए तुम नहीं आओगे। क्योंकि जो आदमी अपॉइंटमेंट ऑर्डर और तनख्वाह का एडवांस लेने 5 मिनट लेट आ सकता है, वो नौकरी मिलने के बाद तो शायद कभी कभी आया करेगा। ठहरिए साहब, ठहरिए। एक सांस में इतना मत बोलिए कि सांस ही अटक जाए। किसी बड़े आदमी को खुश करने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं 5 मिनट बाद में नहीं, 5 मिनट पहले आया हूं। 3 बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी हैं। आपकी दीवार की घड़ी मेरी सच्चाई की घड़ी है। परेशान मत होइए प्रिंसिपल साहब, थोड़ा सा पानी पीजिए और चुल्लू भर पानी बचा के रखिए, बाद में काम आ जाएगा। मैं आपकी सारी बातें सुन चुका हूं। मैं मजबूर हूं राम बाबू, मैंने अभी अभी जिसे नौकरी देने का वादा किया है वो एमपी साहब का रिश्तेदार है। मैं भी तो एमपी साहब का रिश्तेदार हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि चुनाव जीतने के बाद जैसे ही जनता उन्हें सम्मान देने लगी तो सारी जनता के सामने वो कहने लगे कि सारी जनता मेरी औलाद है, मेरी बहन है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा भाई है। उन्हें जिताने में मेरा भी एक वोट शामिल है। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पे आ जाते हैं अपने सारे वादे भूल जाते हैं। इट्स ऑल राइट सर, गुड बाय। अरे अंकल बहुत अच्छे, आंटी की गैर हाजिरी में सब काम आप खुद करते हैं। अरे बेटा, इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। क्या है ना, मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा कमाती है और अगर ये छोटे मोटे काम मैं उससे करवाऊं तो मेरा महीने का 3,700 रुपयों का नुकसान हो जाएगा। अरे जब कलम पत्नी के हाथ में दे दिया तो पति के हाथ में झाड़ू और कचरे की टोकरी रहेगी। अंकल आपके पिताजी आपसे क्यों नाराज है? नहीं 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 नहीं, वो नाराज नहीं है, वो दरअसल मुझसे बहुत है। लेकिन क्या है ना कि वो हो गए बुढ़े, पुराने ख्याल आते। मेरी बीवी का ऑफिस जाना उन्हें जरा भी पसंद नहीं, इसलिए कभी खिड़की से झांक के बात करते हैं, कभी छत से लटक के बात करते हैं और कभी जमीन से प्रकट होकर बात करते हैं। जैसे हिंदी फिल्मों में नहीं होता, ठीक उसी तरह अंतरात्मा की तरह मेरे पीछे 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 लगे रहते, लेकिन मैं उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। आपकी लाइफ तो बड़ी मजेदार है। लेकिन क्या ये हर रोज ऐसा ही होता है? देखो बचुआ, आज मेरी बीवी का है ऑफिस और मेरी है छुट्टी, समझे? शनिवार तक वो ऑफिसर रहता है, शनिवार तक वो ऑफिसर रहता है, संडे जब आता है मर्द औरत बन जाता है। शनिवार तक वो ऑफिसर रहता है, शनिवार तक वो ऑफिसर रहता है, संडे जब आता है मर्द औरत बन जाता है।
शनिवार तक वो ऑफिसर रहता है, संडे जब आता है मर्द औरत बन जाता है। दिमिदर दिमिदर दम दम दिमिदर दिमिदर दम दिमिदर दिमिदर दम 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 दिमिदर दिमिदर दम। उस दिन फौरन तुमने मदद करके मेरी जान बचा ली, वरना तो चल चला होता। साहब आपको घर पे आराम करना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, तुमसे मिलने आए हो। मुझसे मिलने आए साहब? क्यों? इस मशीनी दौर में बेटा बाप को नहीं पूछता। तुमने अपनों से बढ़ के मेरी खिदमत की, मेरी जान बचाई, इसलिए ये लो। थैंक यू। और ये नहीं साहब, ये सब तुम्हारे लिए है बेटा, तुम्हारी मेहरबानी के बदले एक छोटा सा नजराना। अगर इसके अलावा कुछ और चाहिए तो वो भी मांग लेना। साहब ये फूल ही काफी हैं। मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की थी, और आप मेरी इंसानियत को मेरी मजदूरी समझकर उसका हर्जाना अदा करने आए हैं। नहीं नहीं बेटा, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बिल्कुल सही समझ रहा हूँ साहब। मैं इस मशीनी दौर में जरूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन इस सीने में मशीन नहीं, दिल है, जिसमें दुख दर्द और प्यार की भावना भी जिंदा है। शाबाश बेटा, शाबाश। अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें मुझसे कोई काम पड़े तो बिना झिझक मेरे पास चले आना। जी सर। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। नमस्ते। 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 अरे हाँ, हो गया नमस्कार। हाथ चिपके हैं क्या? हाथ खोलिए, मतलब की बात मुँह से बोलिए। क्या देखिए, करीब में जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, मैं उसका धर्म करता हूँ। क्या करता हूँ? धर्म करता। सेक्रेटरी है? जी हाँ। मंदिर छोटा है और दर्शन के लिए रोजाना बहुत से लोग आते हैं, इसलिए हमने सोचा मंदिर को बड़ा बना दिया जाए ताकि श्रद्धा लेकर आने वाले लोगों के लिए तकलीफ ना हो। और अगले शुक्रवार को गोकुल अष्टमी का त्योहार भी है, इसलिए आपसे जो बन पड़े चंदा दे दीजिए, भगवान का काम। त्योहार? जी। और त्योहार में जो लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं उनका क्या हशर होता है, कभी देखा है? बच्चों समेत दिन भर धक्के खाते हुए, कड़क धूप में जलते हुए, फव्वारे की तरह पसीना बहाकर उसमें नहाते हुए, जब लोग भगवान के दर्शन करने अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पीछे से अंदर आने का एक दरवाजा और भी है। पूछो ये क्या है, तो कहते हैं शॉर्टकट। एक आदमी का 3 रुपया दो और पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। मतलब भगवान के घर में भी जाने के लिए पीछे के दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। क्यों, सिनेमा हॉल है क्या? ब्लैक में टिकट खरीद के अंदर जाना चाहिए। भगवान तो आराम से बंसरी बजाते हुए अंदर खड़े रहते हैं, और ये धर्मकर्ता के आदमी पब्लिक का बैंड बजाकर उनसे पैसे निचोड़ लेते हैं। आपने से नहीं होने वाला। एक काम करो, भगवान की मूर्ति को उठाकर किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दो, मैं वहां जाकर उनको दर्शन कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं मंदिर बनाने की। चलो भगाया था। ए, तमीज से बात करो। तुम इतनी बदतमीजी से मुझे तमीज सिखाने वाले कौन बदतमीज हो? अरे इसको छोड़ो, जानते हो ये कौन है? कौन है? इस एरिया के MLA साहब है। MLA? अरे रे रे रे, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए ना, इसलिए आपकी शक्ल याद नहीं रही। कभी कभी भूले भटके इधर आ जाया करें तो शक्ल याद भी रहेगी। क्या है कि ईद का चांद तो फिर भी साल में एक मरतबा नजर आ जाता है, ये तो इलेक्शन का चांद है, 5 साल में एक मरतबा नजर आता है। पिछली बार जब ये यहाँ आए थे तो खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, दिन में 3 मरतबा इधर आते थे। अब ये 3 साल बाद लौटे हैं तो सिल्क का कुर्ता, सिल्क की धोती, गले में सोने का चेन। पहले ये प्लाईवुड की तरह पतले थे, अब ये स्टील के कबाट की तरह मोटे हो गए। मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ये तो खुद मंदिर के साइज के हो गए। इनको ले जाकर खड़ा कर दो ना उधर। मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। अगर हमारी पार्टी के नौजवानों को यह पता चल गया कि शराफत लाल जी के साथ तुम इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे जाजा, तुम लोग क्या खून की नदियां बहाओगे? 3 साल हो गए म्यूनिसिपालिटी के नल में पानी तो बहा नहीं सके, खून की नदियां क्या खाक बहाओगे? ये बात है, अभी बताते हैं। अरे तुम लोग क्या बताते हैं? पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ माँ, अपने इलाके के MLA साहब आए थे, पिताजी ने न जाने उन्हें क्या उटपटांग कह दिया, पुलिस और उन्हें पकड़ कर ले गई। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, और अगर वहाँ सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट जाऊंगा, इंसाफ का तराजू हिला के रख दूंगा। साहब एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं, सुनने को रह क्या क्या है? आपने खाकी वर्दी और खाकी पतलून इसलिए पहनी है कि आप लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाकर अंदर बंद कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। आप कमिश्नर साहब को फोन लगाइए, मुझे बात करनी है। साहब वहां तक जाने की क्या जरूरत है? इंसाफ मांगने के लिए।
कोई एमएलए सिल्क का धोती कुर्ता पहनकर यहाँ से यहाँ तक शॉल लटका कराएगा तो क्या आप उसके सामने नाचने लग जाएंगे? आपको पगार क्या एमएलए देता है? हम जो इनकम टैक्स भरते हैं ना, उससे आपको पगार मिलती है। और मिस्टर धर्म, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया? और मेरी कमीज, ये मेरा खून पसीने की गाड़ी कमाई से लाई हुई कमीज, ये फट कैसी गई, इस पर गौर किया आपने? और मेरा खून जो 55 साल तक मैंने कतरा कतरा करके अपने शरीर में इकट्ठा किया, ये एक दिन में बह कैसे गया, इसकी जांच करवाई आपने? नहीं करवाई ना? हम आपको सिर्फ एक जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। जानकारी? किस किस्म की जानकारी? झगड़े की ना? झगड़ा तुम दो के बीच में हुआ था, मैं तो आ गया, वो दूसरा कहाँ है? वो एमएलए है। एमएलए? ओ, वो क्या अपने माँ के पेट से एमएलए पैदा हुआ था? और उसको एमएलए बनाया किसने? हमने, मेरे वोट ने बनाया। और तुम जनता के सेवक हो या एमएलए के सेवक हो? जवाब नहीं है तो पका चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप है कौन साहब? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस अच्छे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक हूँ। लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट एन एमएलए, नॉट एन एमएलसी, नॉट एन एमपी, नॉट एन मिनिस्टर। ये बहुत हाई लेवल की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम पंखा चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके पास कोई मंदिर का चंदा मांगने आए तो आप हाँ या ना कह दीजिए। इसमें ये कहने की क्या जरूरत है कि आप धोखेबाज हैं, लोगों का माल हड़प कर जाते हैं? इट इज माई फंडामेंटल राइट। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और आजाद हिंदुस्तान के साथ मेरी जबान भी आजाद हो चुकी है, मुझे पूछने का पूरा हक। और अगर उन्होंने माल हड़प नहीं किया है तो उनसे कहिए कि साबित करके दिखाए कि उन्होंने माल हड़प नहीं किया है। और साहब, मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, आपने मेरे बैठने का प्रबंध किया? नहीं किया ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। ये सब क्या हुआ? अरे, इन्होंने किसको बख्शा है जो मुझे छोड़ेंगे? आजादी से पहले बड़े बड़े नेताओं को अंदर करते रहे, आज मुझे अंदर कर रहे हैं। आज तुम इंसाफ की जंग। लक्ष्मी जी, ये आपके पति हैं? आप इनको कैसे जानते हैं? इसमें जानने की कौन सी बात है? जब भी हमारे घर में कोई त्यौहार या खुशी का मौका होता है, लक्ष्मी जी हमारे मेहमानों के लिए खाना पकाती है। लक्ष्मी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके साथ जिंदगी कैसे गुजार रही हैं। मैं तो 15 मिनट में अपने बाल रोशन लगाऊं। ले जाइए इनको, जाइए जाइए। मैं जीप में जाके बैठता हूँ। जीप में? जाहिर बात है, जब आपको जरूरत होती तो लोगों को जीप में लाते हैं, जाते वक्त क्या पैदल भेजेंगे? मैं जीप में बैठता हूँ, ड्राइवर भेजिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर इन्होंने कोई गलत बात की हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, मैं तो सिर्फ आपके कारण इन्हें छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। हवलदार, कमिश्नर साहब का फोन आया तो बोल देना मैं यहाँ नहीं हूँ। और तुम पंखा चालू करो। लक्ष्मी चाची, क्या बात है बेटी? परसों मेरी माँ ने गौरी माँ का व्रत रखा था, आज उस व्रत के अनुसार अपनी जान पहचान वाली सुहागनों में साड़ी बांटी जाती है, इसलिए मेरी माँ ने आपके लिए साड़ी भेजी है, लीजिए। अच्छा चाची, मैं चलती, मुझे देर हो रही है। तूने हजार बार मुझसे पूछा कि तेरे पिताजी जैसे निकम्मे आदमी का क्या फायदा? देख, आज उन्हीं के कारण कम से कम मुझे सुहागन तो समझा गया। मेरे स्पर्श को शुभ समझकर ये साड़ी मुझे तोहफे में दी गई। इस संसार में एक औरत को सुहागन समझा जाए, उससे ज्यादा और क्या चाहिए? मॉर्निंग सर। फुल टैंक। इसका हवा पानी भी चेक करूं क्या साहब? हट, पेट्रोल डाल। तू इधर आके बैठ, जल्दी पेट्रोल डाल। बर्ताव बर्ताव साहब, अपन का गड़बड़ होता है। हट साहब, 260.40। अबे ढक्कन के, बॉम्बे में नवा है क्या? अपन से माल मांगता है, अपन का नाम है लियो, और अखा बॉम्बे बोलता है लियो, हजार साल जियो, माल मत दो, पॉकेट में खाओ पियो। अरे साहब, वाकई बम्बई बोलती होगी, समझा ना? अपन ना है, अपन को पैसा चाहिए। अजीब उल्टी खोपड़ी का आदमी है। अबे तेरे सेठ फकीर चंद का और अपन का हिसाब किताब चलता है, उसको अपन का नाम बोल देना। गलत बात, तुम्हारा और उसका हिसाब चलता होगा, मेरा और तुम्हारा नहीं, समझे ना? मैं अपने सेठ का ईमानदार नौकर हूँ और मुझे अपने पेट्रोल का पैसा चाहिए। अबे ओ ईमानदार की छठी औलाद, सामने हटता कि नहीं? मैं हटता, पैसे निकाल। अबे और लौंडे, अपनी जवानी पे रहम कर, क्यों मौत पर सिता है? अरे ओ साहब, हाथ नहीं उठाना, समझे ना? दिखने में अपन बर्फ जैसा ठंडा है, मगर गर्म होता है ना तो पत्थर भी पिघल जाता है, समझे? अबे तेरे पत्थर की। ₹260.40 समझे? Thank you.
लियो, हजार साल जियो, मगर राजा से पंगा मत लियो। पैसे निकाल। हाँ, हाँ, कांच के, पेट्रोल पंप के और कुर्सी के पैसे और 260 40 पैसे पेट्रोल के। रुपया रख और बस में जा। आ शेरनी, ले जा अपने गिदड़ को। अरे राजा, सलाम साहब। अरे कमाल कर दिया राजा, तूने इतने खतरनाक लियो और उसके आदमियों को बराबर का डाला। क्या है ना साहब, मैं आपका नौकर हूँ और अपने पेट्रोल पंप का कोई नुकसान कर जाए तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। थोबड़े का कलर नहीं बदलूंगा। वैसे मैंने आपका नमक खाया साहब, नमक हलाली करूंगा, नमक हराम ही कभी नहीं। अरे वाह राजा वाह, तूने तो कमाल कर दिया। तू सिर्फ नाम का ही राजा नहीं, काम का भी राजा है, ईमानदारी का भी राजा है। अरे तेरी ईमानदारी को देखकर ही तो मैंने तुम्हें ये नौकरी दी थी, वरना आजकल के जमाने में नौकरी मिलना क्या आसान है। नहीं साहब, कहाँ मिलती है। सुन राजा, अगर मैं तुम्हें एक मुश्किल काम दूं तो तुम कर सकोगे। अरे सेठ, आपके लिए तो जान हाजिर है, काम की क्या बात कर रहे हैं, हुक्म कीजिए। अरे जियो मेरे राजा, तेरा मुंह में मोतियों से भर दूंगा। राजा पंप छोड़, अंदर आ जा। आप यहाँ, तुम मेरे पीछे पीछे घर भी पहुंच गए, चलो जाओ यहाँ से। कमाल है, मैं आपका मेहमान और कहते हैं कि मेहमान तो भगवान के समान होता है। अरे निकलो बाहर, खाम खा के मेहमान, हर रास्ता चलता आदमी घर में घुसाएगा क्या। जाओ बाबा जाओ, हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो, तुम किसी गलत एड्रेस पर आ गए हो, चल जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ, क्या ये रोड नंबर 8 और मकान नंबर 17 नहीं। हाँ है, तो? तो तो मैं अंदर। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो, निकलो बाहर, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ठहरो दुर्गा, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, क्या हम लोग मर गए क्या। गरम गरम दो हाथ लगा देंगे, ठीक हो जाएगा, ये चला जाएगा। आओ प्रताप। अरे मैं और मारामारी क्या बात कर रहे हो, मेरे पास तो खाने का समय नहीं है, तो मारामारी का समय कहाँ चलाऊं। वैसे भी जल्दबाजी में अच्छी पिटाई नहीं होती, पुलिस को बुलाते हैं। सरकार ने पुलिस रखी काय के लिए है, पिटाई करने के लिए तो रखी है, मैं अभी पुलिस को लेके आता हूँ। अच्छा अरे भाई क्या बात है, तुम लोग कुछ लड़ाई झगड़े के मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए ना, एक तो ये जाने कौन है, जबरदस्ती घर में घुसाया, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। अच्छा बदतमीजी, छोटी बदतमीजी की या बड़ी बदतमीजी। छोटी बड़ी का क्या मतलब, बदतमीजी बदतमीजी होती है, चलो चलो जाओ यहाँ से। अरे ये यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसे यहाँ भेजा है। क्या आपने। ये मकान है, ये शमशान घाट, तू खाना पका रहा है, लकड़ियां सुलगा के मुर्दे जला है, जिंदों को जलाकर मुर्दा बना रहा है। सारा मकान धुआं धुआं हो गया है। सभी मोहल्ले वाले समझ रहे हैं आग लग गई है, फायर स्टेशन को फोन करने गए हैं। फायर स्टेशन फोन करो या रेडियो स्टेशन फोन करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम्हारे दिमाग का स्टेशन सही सलामत नहीं होता तब तक मैं ऐसी हरकतें करता रहूंगा। गीली लकड़ियां जलाऊंगा, तुम्हारे घर का फर्नीचर जलाऊंगा, मोहल्ले का सारा कचरा जलाऊंगा। अगर अगर तुम लोग भलाई चाहते हो तो मैं तुम लोगों को 30 दिन की मोहलत देता हूँ, मकान खाली करो, समझे। अगर आप भी तुम लोग मेरी बात नहीं समझे तो थोड़ी सी मिर्ची आग में डाल देता हूँ, आँख से पानी आएगा, मुंह से खांसी आएगी और मेरी बात आसानी से समझ में आएगी। अब खांसते रहो और 30 दिन की मोहलत याद करते रहो, याद रखना सिर्फ 30 दिन है। विश्व प्रसाद ज्ञानदेव अग्निहोत्री, खाना खाया। खाना खाया ये? अगर मैं ये कहूँ कि मैंने खाना खा लिया तो बिन खाए तुम्हारा पेट भर जाएगा, और अगर कहूँ कि नहीं खाया तो तुम खिलाओगे, और खाना खाने के बाद ये कहूँ कि नहीं खाया तो और खिलाओगे, और खाने के बाद ये कहूँ कि मजा नहीं आया तो पैसे दोगे, और पैसा लेके मैं खाना न कहूँ और ये कहूँ कि मैंने खाना खा लिया तो तुम मेरा क्या कर लोगे। बड़े आए पूछने वाले कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। लानत है मुझ पर जो के बाद विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री के भू लगत हो।
अरे नहाने के लिए कितना वक्त लग रहा है? क्या एक साल से नहाया नहीं क्या? अभी बाहर निकल, जानता नहीं सब लोग लाइन में खड़े हुए, सबको अपने अपने काम पे जाने का, नहाने का, चल बाहर निकल। सो रहा है क्या? क्या मालूम। अरे निकल, अरे अंदर मरम मराठ हो नहीं गया, अरे जल्दी निकल रहे, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास एक ही रोटी है और लगता है पेट में एटम बम फूट रहे हैं। अरे मारे, अरे निकल, अरे निकल। अरे तुम अभी तक साबुन लगा रहे हो? आधे घंटे से अंदर क्या कर रहे थे? मुझे ऑफिस में जाने के लिए देरी हो रही है। क्या कर रहे थे? क्या है ना कि बचपन से मुझे बाथरूम में 2 घंटे गाना गाने की आदत है, अब से 1.5 घंटा बाकी है बस। नहीं ऐसा जुल्म मत करो, पेट में जंग चल रही है। चलने दो तो क्या हुआ? अरे भैया सुनो, तुम 1.5 घंटा क्या दिन भर गाओ बल्कि नाचो, पर हम सबके ऑफिस चले जाने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि पूरे 2 घंटे गाना गाना, बीच में रुकना नहीं। अजीब आदमी है, मुझे 9:30 बजे कॉलेज पहुँचना है, 9 तो यही बज गए, कब नहाऊंगी कब कॉलेज जाऊंगी। पानी से नहाने की क्या जरूरत है? जैसे धोबी लोग कपड़े को ड्राई क्लीन करते हैं वैसे खुद को ड्राई क्लीन कर लो। Shut up, you idiot! मर्दों के मुंह नहीं लगते। मगर माँ चुप, माँ ये फिर मुझे क्या? 2 लीटर, 0.5 लीटर, 0.5 लीटर, पूरे लीटर। जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, धीरज दिल में रखना। देखो लाइन बहुत बड़ी है, देखो लाइन बहुत बड़ी है। अरे पेट्रोल भरो जल्दी करो, मेरी गाड़ी कब से खड़ी है। जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, धीरज दिल में रखना। देखो लाइन बहुत बड़ी है, देखो लाइन बहुत बड़ी है। सबको जल्दी पड़ी है, बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। पेट्रोल भरो जल्दी करो, मेरी गाड़ी कब से खड़ी है। जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, धीरज दिल में रखना। देखो लाइन बहुत बड़ी है, देखो लाइन बहुत बड़ी है। La 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 la
चकोरी ओ चकोरी जहर की कोई तू कटोरी मांग लाई किसकी गाड़ी गाड़ी चलाने में तो नाड़ी लोगों पे करना करम अच्छा नहीं ये सितम ओ किशोरी ओ चकोरी जहर की कोई तू कटोरी मांग लाई किसकी गाड़ी गाड़ी चलाने में तो नाड़ी लोगों पे करना करम अच्छा नहीं ये सितम कहेंगे वैसा करेंगे धीरज दिल में रखना देखो लाइन बहुत बड़ी है मेरी गाड़ी कब से खड़ी है देखो देखो लाइन बहुत बड़ी है मेरी गाड़ी कब से खड़ी है दुर्गा ए दुर्गा कॉलेज को छूटे एक घंटा हो गया तू यहाँ बैठे क्या सोच रही है हमारी चाल में गुंडा रहने आया है सबको बहुत सताता है सोच रही थी उसको कैसे सीधा करूं चलो अरे वाह वाह मेरे राजा पहलवान वाह वाह जिया जिया उन फकीरों का कुछ हुआ नहीं साहब वो लोग बड़े शरीफ हैं उनको सताते हुए अच्छा नहीं लगता मत निकालो उन बेचारों को साहब अरे बेचारों को अरे भाई बड़े अजीब आदमी हो मैंने तुम्हें वहां गुंडा बनाकर भेजा है और तुम शराबत की बात कर रहे हो साहब मैं सचमुच का गुंडा थोड़ी हूँ साहब मैं जब उनको सताता हूँ तो मुझे अकेले में रोना आता है चुप रोना आता है शर्म नहीं आती है? अच्छा एक काम करो खूब दारू पियो और वहां जाके खूब दींगा मस्ती करो ताकि वो सारे साले कमीने डर के खुद बहुत भाग जाए दारू नहीं नहीं सेठ जी मैं दारू नहीं पीता अच्छा अच्छा मेरे बाप दारू मत पीना पिए हुए की एक्टिंग तो कर सकते हो ना तो फिर ठीक है शराब की बोतल में मैं तुम्हें शरबत डाल कर दूंगा हाँ? और तुम उन लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर दारू बास की तरह बात करना लोग समझेंगे कि ताजा दारू पी कर आया है मेरा काम हो जाएगा क्यों एक्टिंग कर लोगे ना एक्टिंग एक्टिंग तो मैं फर्स्ट क्लास कर सकता हूँ साहब मेरे पास कॉलेज का मेडल है अरे शहबाश मेरे लाल अभी लाता हूँ शरबत की बोतल मैं तो मार मार के प्लास्टिक के पुतलों की तरह अगर मर्द का बच्चा है तो पहले इस बुढ़िया पर हाथ उठा
नहीं माँ, नहीं, मुझे माफ कर दे माँ, माँ मुझे माफ कर दे, माँ, माँ, माँ मैं दरिंदा नहीं हूँ माँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक गरीब इंसान हूँ माँ, मैंने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, मुझे धोखे से पिला दिया गया था माँ, उन शैतानों ने कहा किस बोतल में शरबत है, मैं नहीं जानता था कि इसमें दारू मिला दी गई थी, उसे पीकर मैं अपने होश खो बैठा। हाँ माँ, आपने मुझे फिर इंसान बना दिया माँ, क्या सच है क्या झूठ है मैं जान चुका हूं माँ, माँ मुझे माफ कर दे माँ, माँ मैं ना तू, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ, अपना गुनाहगार बेटा समझ कर मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। राम बाबू मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम चाहो तो मैं हाथ तोड़ दो, लेकिन मुझे माफ कर दो राम बाबू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राम बाबू। प्रताप मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, क्या एक भाई दूसरे भाई को माफ नहीं करता प्रताप, बाबूजी मुझे क्षमा कर दो बाबूजी, मैं आप लोगों को यहां से निकालने आया था, मगर मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं जब तक मैं जिंदा हूं आप लोगों को कोई यहां से नहीं निकाल सकेगा, एक बार सिर्फ एक बार आप लोग कह दो कि मुझे माफ कर दिया, सिर्फ एक बार माँ, राजा उठ, देखिए अगर आपको मकान पसंद आ गया है तो फिर लेने देने की बात आगे बढ़े। मकान तो पसंद आ गया है फकीर जन जी, मगर हमें बिल्कुल खाली मकान चाहिए, आज के दौर में किरायेदारों से मकान खाली करवाना मुर्दे को जिंदा करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। ओहो आप फिक्र मत कीजिए, मुर्दा भले जिंदा ना हो लेकिन मकान जरूर खाली हो जाएगा, मैंने एक बहुत खतरनाक आदमी को मकान खाली करवाने के लिए भेजा है, अब तक तो मकान खाली भी हो गया होगा। शट अप, तुम जबान के मीठे हो मगर फितरत के बेईमान, हम जैसे शरीफों को बेवकूफ बनाकर उनसे नौकरी के नाम पे जुर्म कराते हो। अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो, हाँ? एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो दांत तोड़कर टेबल पे बिखर दूंगा, फिर उन्हें गिनते रहना। तुम अपने मालिक को धमकी दे रहे हो। मालिक? कौन मालिक? मैं तो जैसे कमीने बेईमान आदमी की नौकरी करके मजदूरों के पवित्र धंधे की तौहीन नहीं कर सकता, मैं तेरी नौकरी को लात मारता हूं। फकीर, अबे क्या फकीर लगा रखा? ओ, मेरा मतलब है ये तुम्हारा आदमी फकीर चंद जी तुम्हारे ही सर पर जूता मारकर चला गया। अरे परवाह नहीं, मेरे पास इससे भी ज्यादा मजबूत जूता है, मेरा मतलब है मजबूत गुंडा, अभी बुलवाता हूँ, चुटकियों में मकान खाली करवा देगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। हाँ उखाड़ के फेंक दो छड़े हुए मकान को। अरे ठहरो भाइयों, जान दे।
मान लेते हैं। अरे सुनो रुको, तुम ये क्या चोरन खड़ी कर रहे हो? अरे 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 सुनो, अरे क्या 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 बेटे बेटे की लगी तो नहीं? अरे मारा। तेरे को पहले पे बोला था लियो, हजार साल जियो मगर राजा से पंगा मत लियो, तू फिर आ गया। अबे हट चटने के, इसके नीचे दबा के तो चपटा बना दूंगा। अबे जाबे चपटे, तू क्या चपटा करेगा? यमराज का रिश्तेदार लगता है क्या? वो भैंसे पर आता है तो इस लोहे के भैंसे पर आया है। तेरी जात का बैदा मारू। देसी मारना। पहले इसकी कब्र बनाओ, फिर इस मकान का कब्रिस्तान बना दो। कौन किसकी कब्र बनाता है उसका फैसला अभी कर देते हैं, चलो। दुनिया कहती है लियो, हजार साल जियो। आप लोग अपने अपने घर जाइए, आज के बाद कोई मायका लाल आप लोगों का मकान खाली करवाना तो एक तरफ, उसका जिक्र करने तक नहीं आएगा। बेटा तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम तो जानते हो मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। बस साहब, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप मुझे अपनी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी दें तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा साहब। बस अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है साहब, भूखे को रोटी मिल जाए और अंधे को आंखें मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नहीं तो दुर्गा, ए दुर्गा, एक्सक्यूज मी, हाय, ये क्या है? लॉरी है। ओहो मालूम है, मगर कहाँ से लाए? मिठाई वाले के यहाँ से, मैंने कहा कि 1.5 किलो लॉरी दे दो तो उसने मुझे ये दे दिया। ओहो सीधे बोलो ना। मुझे ड्राइवर की नौकरी मिली है और यहाँ सब लड़कियों के रिश्तेदार मोटरसाइकिल कार गाड़ियों में आते हैं, तो मैं अपने रिश्तेदार को लॉरी में लेने आ गया हूँ। चलो चलो मेरे साथ, तुम मेरी पहली सवारी हो, चलो चलिए ना। ओहो आती हूँ, हाथ छोड़ो। पर ही शैदा हुए हैं, तेरे लिए ही पैदा हुए हैं। तुझ पर ही शैदा हुए हैं, तेरे लिए ही पैदा हुए हैं। मेरे बनना, मेरी ही बनना।
जैसा तेरा चलन ये बोलता तेरा बदन हंसों जैसा तेरा चलन ये बोलता तेरा बदन हम तुझ पर ही शहदा हुए तेरे लिए ही पैदा हुए हैं मेरे बन्ना मेरी ही बन्ना हम तुझ पर ही तुझ पर ही शैदा हुए हैं तेरे लिए ही पैदा हुए हैं मेरे बन्ना मेरी ही बन्ना हम तुझ पर ही अरे आचार्य जी कैसे हो मैं कोई दाव जाने वाला नहीं तक मैं भूल कर तुझसे पूछूंगा कि तुमने खाना खाया या नहीं मेरी तौबा मर जाओगे तो भी नहीं पूछूंगा नहीं पूछूंगा अच्छा ये बताओ कहाँ जा रहे हो पागल खाने क्यों डॉक्टर को देखने के लिए डॉक्टर क्या हुआ पागल हो गया पागल खाने में पागलों के पागलपने का इलाज करके उनका पागलपन दूर करने वाला डॉक्टर पागल अगर डॉक्टर पागल हो गया तो पागल डॉक्टर के पास पागल खाने में जाके जो दूसरे पागल अपने पागलपने का इलाज कराएंगे उनका पागलपना घट जाएगा या पागलपना बढ़ जाएगा अभी कोई पागल जानता है या पागलों को पैदा करने वाला भगवान जानता है बढ़िया है पागलों से हमदर्दी दिखाने वाले जब एक बार सोच लिया कि इसके मुंह में लग रहा तो क्यों लगा जुकाम हो गया और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है जरा काली मिर्च का काढ़ा बना दो मेरे लिए प्लीज अरे भाई काढ़ा वाड़ा बाद में पीना कल दिवाली है जानते हो जानता हूँ और आपने अब तक ना पैंट खरीदी ना साड़ी ये भी जानता हूँ कमाल है तो फिर कल क्या करोगे ये मैं नहीं जानता देखो राम मेरे पास कुछ पैसे हैं नहीं तोहफे और बख्शीश लेने की आदत नहीं है मेरी मैं तोहफे के तौर पे नहीं दे रहा था मैं तो कर्ज के तौर पे दे रहा हूं नहीं 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 कर्ज दोस्ती को बर्बाद कर देता है राजा इसलिए मैं कर्ज कभी नहीं लेता ठीक है कर्ज मत लो लेकिन मास्टर जी एक काम तो कर सकते हैं आप मुझे फ्रेंच की ट्यूशन दे दिया करो मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में अपियर हो रहा हूं और फ्रेंच सीखना बहुत जरूरी है तो आप इसे ट्यूशन की फीस का एडवांस समझ कर रख लीजिए सुनो विद्यार्थी जी ट्यूशन लेनी है तो 2 दिन के बाद आना
दो दिन दिवाली की छुट्टियां हैं और इन छुट्टियों में हर काम बंद रहता है। ट्यूशन का एडवांस भी तब दे देना। ओहो, आप लोग किस मिट्टी के बने हो यार, किसी तरह से पकड़ में नहीं आ रहे हो। शायद आप लोग का इरादा है दिवाली मनाने का। राजा, सीता ने इस गरीबी में भी मेरी वकालत की, मेरे विचारों में मेरा साथ दिया। अरे, इससे बड़ी दिवाली मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसके एक जवाब ने मेरे दिल में इतनी खुशी भर दी कि मैं सारी जिंदगी हर रोज दिवाली का मजा उठा सकता हूँ। काली मिर्च के काढ़े, शक्कर डालो या गुड़? नमक। नमक? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी बच्ची है, उसे मेरी बात माननी होगी। ये कभी नहीं हो सकता। मेरी ही बात उसे माननी पड़ेगी क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मैंने 9 महीने उसको कोख में रखकर उसका बोझ उठाकर तब उसको जन्म दिया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि लेबर पेन किसे हो रहे हैं? पिताजी, अब आप ही बताइए। दिवाली साल में सिर्फ एक बार आती है और मेरी एक ही बच्ची है। अगर वो पटाखे छोड़े तो उसको देखकर मैं खुश होना चाहता हूँ। क्या ये मेरी ख्वाहिश गलत है? आप बताइए। हाँ हाँ, ये बच्ची को पटाखे देंगे। अगर उसने अपना हाथ पैर जला लिया तो त्योहार के दिन सारा दिन मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे उसको लेकर। अब आप ही बताइए पिताजी, उस बच्ची को पटाखे देने के बजाय फुलझड़ियाँ देना अच्छा है कि नहीं? मैं तो पटाखे दूंगा। मैं तो फुलझड़ियाँ खरीदूंगी। पटाखे दूंगा। फुलझड़ियाँ खरीदूंगी। पटाखे। फुलझड़ी। वाह 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 वाह, अपने घर में तो दिवाली भाई एक दिन पहले ही आ गई। अरे, तुम दोनों अपना धमाका बंद करके जरा मेरी बात सुनोगे? सवेरे हॉस्टल जाकर बच्ची को दिवाली के लिए घर आने को कहा तो जानते हो उसने क्या कहा? कहने लगी, दादाजी दिवाली यहीं मनाएंगे, घर जाके तो मैं बोर हो जाऊंगी, पहले जाकर उसे मनाकर घर लाओ, जाओ। उफ, वो इतनी देर हो गई, माँ अभी तक क्यों नहीं आई? वो आ गई। क्या बात है? जल्दी दे रुपए निकाल। कितने चाहिए? वो कितने क्या माँ, एक पैंट, एक शर्ट और मेरे गुरु अमिताभ बच्चन की फिल्म जो इस दिवाली पे रिलीज हो रही है उसका एक टिकट। वो सब कितने में आएगा? वो बस इतने में आ जाएगा। अरे सुन, वो 100 का नोट है। बच्चे तो लौटा दूंगा। तू क्यों रोनी सूरत बनाए खड़ी है? तेरे लिए भी मैंने घाघरा चोली सीने को दे दिया है, कल सुबह तक मिल जाएगा। बेटी, जहाँ मैं काम करती हूँ ना, उन्होंने ये साड़ी मुझे दिवाली के तोहफे में दी है। तू एक काम कर, इस साड़ी के लेबल पर दुकान का नाम और पता लिखा हुआ है, तू ये सब वापस दे आ, और इसके बदले में तेरे पिताजी के लिए कुर्ता पायजामा ले आना। माँ, दिवाली है ना, ले जा, जा। सुन, ज्यादा ढीला ढाला मत लाना, नहीं तो तेरे पिताजी खामखा बूढ़े लगने लगेंगे। अरे खुश हो गया यार। दू 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 दू। ये आजकल के कोई पटाखे हैं? क्या जमाना आ गया, हर चीज में मिलावट। आकाश के पानी से लेकर खेत के दाना तक हर चीज में मिलावट। और ये शिवाकाशी के पटाखे खाली गोदाम में फटते हैं, दिवाली में कभी नहीं फटते। अरे विष्णु जी, पिताजी क्या हुआ? ये कम्बख्त पटाखे धोखा दे गए। जहाँ फटना चाहिए था वहाँ नहीं फटे, जहाँ नहीं फटना चाहिए था वहाँ फट गए। अब तो मानते हो ना अग्निहोत्री जी कि जमाना पूरी तरह बेईमानी का नहीं है? बिल्कुल बेईमानी का है। ये कम्बख्त लोग बेईमानी भी पूरी तरह नहीं करते, बेईमानी में भी बेईमानी करके बेईमानी को आधा छोड़ देते हैं। है जहाँ तंदुरुस्ती। गानों क्यों बंद कर दिया? वो क्या है ना कि मैं जब अकेला होता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, तो डर को भुलाने के लिए गाता हूँ। राम भैया। हाँ? क्या बात है शारदा बहन? राम भैया। हाँ? ये साइकिल है? नहीं, फटी हुई कागज की नाव है। नहीं, मेरा मतलब था ये साइकिल तुम्हारी अपनी है? नहीं, भाड़े की। भाई सीधे कहो ना, क्या बात है? तुम्हारे पास छुट्टे चाराने हैं? कभी साइकिल, कभी चाराने, छुट्टे, क्यों बात गोलमोल कर रहे हो? सीधे कहो ना। खुलकर क्या कहूँ, मुझे तो कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे। देखो भैया, मैं तुम्हें सगे भाई से बढ़कर समझती हूँ, इसलिए अपने दिल की बात कहने जा रही हूँ, मगर उनसे बिल्कुल मत कहना कि ये मैंने कहा है। देखो, मैं भी तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, बेधड़क कहो, मैं प्रताप से कुछ नहीं कहूंगा। पुराने ख्याल के हैं, बीवी नौकरी करे इसके सब खिलाफ है। ये सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं
कि इस जमाने में बीवी के नौकरी करने से परिवार का कितना बोझ हल्का हो जाता है। भैया घर की बात है, बताते हुए शर्म आती है कि महीने में 10-10 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। सच? हाँ, महीने में 10 दिन चूल्हा नहीं जलता। ऑफिस में काम ज्यादा हो जाने की वजह से अक्सर घर आने में देरी हो जाती है, घर का काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती, अक्सर खाना होटल से मंगवाना पड़ता है। औरत जात के लिए कितने शर्म की बात है। मेरे ससुर जी क्या सोचते होंगे, कैसी बहू लाए हैं जो उनको और उनके बेटे को अपने हाथों का बनाया हुआ खाना तक नहीं खिला सकती, अपने बच्चे की खुद परवरिश नहीं कर सकती। वाह वाह बहन वाह, तुम्हारे ख्यालात कितने ऊंचे हैं, हमें बहुत खुशी हुई सुनकर। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मौका पाते ही मैं राम को सब समझा दूंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छी खासी नौकरी भी तलाश करूंगा। सच? हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, मौका मिलते ही मैं प्रताप को समझाऊंगा और तुम्हारी नौकरी छुड़वाने के लिए उसे राजी भी कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कितनी किस्मत वाली है, इसको घर और घर वालों की सेवा करने का मौका तो मिल जाता है, इसको कहते हैं जिंदगी। और एक मैं हूं, कितनी वाली है, पति को खुश रखने के लिए, घर का बोझ हल्का करने के लिए इसे नौकरी का मौका तो मिल रहा है, इसे कहते हैं जिंदगी। हाँ और एक मैं हूं। क्यों सीता, बाहर से पानी भरकर ला रही हो, नल में पानी नहीं आ रहा क्या? हाँ, जब मैं कुएं से पानी निकाल रही थी ना तो एक मेंढक भी पानी के साथ आ गया। हाँ, बेचारा, फिर तुमने उसका क्या किया? कुएं के मेंढक के लिए कुआं ही उसकी दुनिया है, वापस कुएं में डाल दिया। हाँ दलितर की औलाद, अपनी पत्नी का दिल नहीं समझ सकता, एक बड़े आदमी की तरह पैंट और शर्ट काहे के लिए? अरे शरीर के बढ़ने से क्या होता है, अकल बढ़नी चाहिए बेवकूफ की तुम। मूर्ख कहीं का, पत्नी के दिल की बात नहीं समझ सकता, बड़ा ऑफिसर की शान बघारता फिरता है। लोग कहते हैं नाटे आदमी की अकल ज्यादा होती है, लेकिन इसका तो मामला ही उल्टा है, ये जितना नाटा है इसकी अकल उसे ज्यादा नाटी है। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। गर्मी गर्मी ज्यादा हो गई है। गर्मी? यस एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन वो लव्स गर्मी मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं बाकी पकड़ के यही सोच रहा था वहां। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हम कहना चाहते हैं वो जबान पे नहीं आता, भूल जाते हैं। दरअसल मैं भी वहाँ खड़े खड़े यही सोच रहा था। खड़े खड़े? हाँ खड़े खड़े। अच्छा तो चलते हैं? चलते चलते हैं। अरे एक बात तो बताना ही भूल गया, ये प्रताप जो है ना बहुत ही वाहियात आदमी है, अपनी पत्नी को पैसा कमाने की मशीन समझता है। वो बेचारी ना बात कर सकती है ना दिल में छुपा सकती है, अपनी हालत मुझे बताकर बहुत दुखी हुई। उस बेचारी ने कितने दुख झेले होंगे जो किसी गैर मर्द के सामने अपने पति के बारे में बातें करने को तैयार भी हो गया। क्या कर रहे हो, बस भी करो ना बाबा। अरे डार्लिंग ऑफिस से तुम इतनी थकी हारी आती हो, तुम्हारे थोड़े से पैर दबा दूंगा तो मेरे हाथ नहीं घिस जाएंगे, और मैं उस राम की तरह कमीना नहीं हूं, उसने तो अपनी बीवी को जीते जी मार डाला। बेचारी रो रो के मुझे अपना दुखड़ा सुना रही थी, उसने जरूर बहुत दुख सहे होंगे, वरना एक गैर मर्द को अपने पति के बारे में ये सब कुछ नहीं कहती। क्या बात है अग्निहोत्री जी, अग्नि के इंजन की तरह गर्म सांसें क्यों छोड़ रहे हैं? अब ये खबरें इतनी गर्म है कि खून पिघल के भाप बन के खुद ब खुद नाक के नथनों से निकल रहा है। देखो ना ये रही, दिल्ली के चौराहे पर एक आदमी ने दूसरे गोली मार दी, बताओ। और ये देखो बंबई के हवाई अड्डे पर एक आदमी विदेश से आता हुआ बंदूक के साथ गिरफ्तार। पहले के जमाने में लोग जब विदेश से आते थे तो सेंट लाते थे, ट्रांजिस्टर लाते थे, तोहफे लाते थे, आजकल के जमाने में बंदूकें क्यों लाते हैं? आप इस बात पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं? अजी मैं क्या खास रोशनी डालूंगा, आप मेरी आंखों के सामने खुद ही अंधेरा छा रहा है। लीजिए अखबार आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा। वैसे पढ़ने लायक कुछ खास खबर है इसमें? जी हाँ एक खास खबर है। क्या? मांग कर अखबार पढ़ने वाले के पेट में दूसरे ने चाकू घुसेर दिया। बड़ी मनहूस खबर है, इतने घटिया अखबार के लिए चाकू मारने की क्या जरूरत है? अच्छा है, आप नहीं आप पढ़िए, मैं बाद में आके पढ़ लूंगा। लागत हो जाए, मैं चल रहा हूँ। शारदा जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म पे दस्तखत करना, तो लक्स कंपनी वाले शादीशुदा अच्छे जोड़ों का मुकाबला कर रहे हैं। भाई मुझे तो 100% विश्वास है
कि अगर तुम और तुम्हारी पति इस मुकाबले में हिस्सा ले तो ये इनाम तुम दोनों को मिल जाएगा। इनाम सच्चाई को मिलता है, झूठ को नहीं। झूठ? कैसा झूठ? तुम्हारा यही समझना कि मैं और मेरे पति सबसे अच्छी जोड़ी है। ये क्या कह रही हूँ? हाँ, बनाव सिंगार कपड़े और जेवर से जोड़ी खूबसूरत नहीं बनती शीला। जोड़ी खूबसूरत बनती है घर के सुख और मन की शांति से। मैं और मेरे पति कभी खुश थे, हमारी खुशियों का सबूत है हमारी बच्ची, हमारे प्यार की निशानी जो इस वक्त मेरे पास नहीं है। दूसरों की निगरानी में हॉस्टल में रहती है, हम पति पत्नी के पास उसकी देखभाल करने के लिए वक्त ही नहीं। अगर ऐसा है तो तू नौकरी छोड़ दे। ये शायद मेरे जीते जी नहीं हो सकता। मुझे जितना अपनी बच्ची से प्यार है उससे कहीं ज्यादा मेरे पति को पैसे से प्यार है। ये लो। ये क्या 200 में 30 रुपए कम? खोचे 200 पे 30 रुपए ब्याज काटा। सीता, ओ सीता, अरे कहाँ हो भाई? लो, ये लो 200 रुपए। हाँ, कुछ दिन पहले मैं एक लड़के को मैथ्स की ट्यूशन दिया करता था। ट्यूशन की फीस देने से पहले अचानक उनका ट्रांसफर हो गया। अरे ट्यूशन की फीस तो एक तरफ, मैं उनकी शक्ल तक भूल गया। आज कुछ काम से वो यहाँ आए हुए, अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी और मुझे बुलाकर 200 रुपए थमा दिया हाथ में। वेरी ग्रेट मैन। गर्मी बहुत है, पंखा कहाँ है? मेरा तो बदन झुलस रहा है गर्मी से। मैं तो जल रही हूँ। जस्ट अ जोक। ओ, अच्छा, कुछ खाने के लिए है? मैं हूँ ना, मुझे खा लीजिए। क्या? जस्ट अ जोक। अरे बाबा, जोक्स तो अच्छे मार रहे हो, लेकिन मेरे पेट में जो चूहे दौड़ रहे हैं उनको कब मारोगे? अरे बाबा, गिनने की जरूरत नहीं, ठीक ही होंगे। मेरे हिसाब में गलती हो रही है। नॉट जस्ट अ जोक। तुमने 200 कहा, ये 170 है। हाँ, वो 30 रुपए न जाने कहा। 15? अगर हम ऐसे करते रहे तो हमारा क्या होगा? असल में तुम कहना क्या चाहती हो? मैं असल ही की बात कर रही हूँ, सूद की नहीं। 30 रुपयों से 3 दिन का खर्च चल सकता था। अरे हाँ। तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? हाँ। वक्त क्या हुआ है? वक्त? अरे नहीं, ये वक्त थोड़ी खाना खाने का, जस्ट अ जोक। मुझे भूख कहाँ लगी है? बिल्कुल नहीं लगी है। नहीं। अरे क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे सिर्फ टाइम पूछ रही हूँ, तुम कहते हो भूख नहीं लगी है। बराबर देख के बताओ कितना वक्त हुआ है। वो क्या है कि मेरी घड़ी न जाने कहाँ, मैं देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दोबारा मेरे सामने झूठ मत बोलिएगा। पत्नी को पति के पैसों से ज्यादा उसकी खुशी और उसके सुख की परवाह होती है। सीता, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो आपने घड़ी की गिरह के पैसे लिए और मुझसे झूठ भी कह रहे हैं? देखो सीता, पति सिर्फ धोखा देने के लिए झूठ नहीं बोलते, प्यार से भी झूठ बोल सकता है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें सुखी रखना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। अब मैं किसी भी तरह पैसे लाऊं ये मेरी मर्जी। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको खुश रखना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। इसलिए अगर मैं भी अपनी मर्जी से किसी भी तरह पैसा कमा कर लाऊं तो। सीता! I'm sorry, सीता. I'm really very sorry. But I'm not sorry. हमें एक साथ जिंदगी गुजारते हुए कई साल हो गए, आपने आज तक न मुझसे कभी कोई सख्त बात की और ना ही मुझ पे कभी हाथ उठाया, फिर आज ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? हाँ। तुम्हारे मुंह से वो गंदे शब्द तीर बनकर निकले और मेरे दिल को चीर कर निकल गए। घड़ी गिरवी रख के उधार पैसे लाने वाली बात अपनी धोबन के मुंह से सुन के मेरे दिल पे कितने तीर भरते होंगे, इसका कुछ अंदाजा है आपको? I'm sorry, सीता, I'm sorry. समझ बैठा था जो आप समझे थे वो गलत है। मुझे अपने आप को जलाने का कोई अधिकार नहीं, मेरी चिता को आग लगाने का अधिकार सिर्फ आपको है। मैं इंतजार करूंगी, मुझे कोई जल्दी नहीं।
आपने कहा था आपको भूख लगी है, खाना बने तक चाय बनाओ या कॉफी? नौकरी कर लो। क्यों भाई, बिल्ली जब बच्चे जन्मने वाली होती है तो इधर से उधर टहलती है, तुम भी उसी तरह टहल रहे हो, खैरियत तो है ना? 8 बजने वाले हैं पिताजी, शारदा अभी तक घर नहीं लौटी। अरे भाई फ्रेंच क्लास जाती है, वहीं देर हो गई होगी। पिताजी आज फ्रेंच क्लास बंद है। जर्मन क्लास गई होगी। क्या बात कर रहे हैं पिताजी, वो जर्मन नहीं सीखती। तो ऑफिस में ओवर टाइम कर रही होगी। वहां सिर्फ घंटी बज रही, कोई नहीं उठा रहा। चलो तुम्हें कार में घर छोड़। थैंक यू सर, आपकी मेहरबानी। अरे मेहरबानी कैसी, मैं तो खुद तुम्हारी मेहरबानियों का भूखा हूं। मैं चलती हूँ सर, घर में मेरे पति इंतजार कर रहे होंगे। अरे जाती कर। कौन पति? वो 4 पैसे का भूखा? अरे मेरे पास करोड़ों रुपए है, तुम जो चाहो तुम्हें मिल सकता है, कार बंगला दौलत, सिर्फ एक बार मेरी हो। आपको मुझसे ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो मुझे इस बात पर आ रही है कि मेरे होते हुए तुम एक मामूली सी नौकरी कर रही हो। जाने दीजिए मुझे। अरे जाने कैसे दो, इतनी मुश्किल से तो आज हाथ आई हो, कैसे दो, इतनी मुद्दत के तो बाद आज मौका मिला है। अरे छोड़ कैसे दो, अब भागे कहाँ जाओगी रानी? जो लड़कियां किसी मजबूरी से दफ्तरों में काम करती हैं वो इज्जतदार और शरीफ घराने की होती हैं, मगर तुम जैसे गंदी ज़हनियत रखने वाले मालिक उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, और तू उनमें से एक है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ा रहा। मिस्टर प्रताप, तुम्हारी बीवी की तनख्वाह। अरे थैंक यू। शारदा नहीं आई? शारदा कहाँ है भाई? तुम्हारे पास अपना खुद का मकान है? क्या बात कर रहे हो, तुम्हें तो पता है कि मैं किराए के मकान में रहता हूँ, फिर भी पूछ रहे। गाड़ी है? क्या मतलब? मैं जो पूछ रहा हूँ उसी का जवाब दो। तुम्हारे पास गाड़ी है? नहीं है। बैंक में 10-12 लाख रुपए? नहीं है ना। हाँ जब कुछ नहीं है तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ जीवन कैसे बिताएगी? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो तुम्हारी बीवी पूछ रही थी। नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बीवी ऐसा कभी नहीं कह सकती। बेटे ये सच कह रहे हो तुम? जी हाँ, आपकी बहू के बॉस का नाम मिस्टर झुंझुनवाला है, बंबई में उसके 4 शानदार बंगले हैं, 8 फैक्ट्रियां हैं, ना जाने लाखों रुपए हैं बैंक में, 4 बच्चे भी हैं, सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है पत्नी की। इसलिए आपकी बहू यानी इसकी पत्नी ने फैसला कर लिया है कि वो यहां कभी नहीं आएगी, वो वहीं रहेगी, और उसने जो तुम्हारे हाथों मंगलसूत्र पहनने की भूल की थी उस भूल के जुर्माने के तौर पर हर महीने उसकी तनख्वाह से 3,700 रुपए तुम्हारे घर पहुंचा दिए जाएंगे। नहीं 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 ऐसा मत कहो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी बीवी चाहिए। मैं उसका पति हूँ, मैं कोई और उसका पति नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देखो देखो सिर्फ सिर्फ एक बार मुझे उससे मिला दो,
मैं उसके पैर पकड़ूंगा, उसको मनाऊंगा, उसको घर वापस लाऊंगा, सिर्फ एक बार प्लीज। अब रोने और आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी को एक कमाऊ पार्टनर समझा, औरत नहीं समझा। हर औरत के दिल में कुछ आशाएं, कुछ तमन्नाएं होती हैं, उन्हें जानने की कभी कोशिश ही नहीं की, कभी एक दिन अपने बच्चे के साथ रहने दिया। तुमने हर वक्त ये सोचा कि पत्नी एक पैसे का पेड़ होता है। तुम ठीक कह रहे हो राजा, मैं लालची हूं, मैं खुद कर दूं, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये पैसा, मुझे माफ कर दो राजा, मुझे माफ कर दो, सिर्फ एक बार मुझे मेरी बीवी से मिला दो राजा, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो राजा, एक बार मुझे मिला दो, सिर्फ एक बार। आज से अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, अच्छा पति, अच्छा बाप, और अपने बूढ़े बाप की नेक औलाद, समझे? उधर देखो अंधेरे में कौन खड़ा है। शारदा, शारदा प्रताप, अगर आज राजा भैया वक्त पर नहीं आते तो आज तुम्हें मेरी लाश ही मिलती। बस 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 बस, पुरानी कहानी खत्म। पैसे कमाना तो सीख लिया, अब जिंदगी में खुश कैसे रहा जाता है वो भी सीख लो। पिते बिल्कुल ठीक कहा राजा ने, बीती ताहे विसार दे, आगे की सुध ले। बहू जाओ अंदर चलो।
देखूं तुझे प्यास लगे। तुम्हारी कसम किसी और का हाथ नहीं छूंगा। फिजिक्स इज रियली डिफिकल्ट। बायो ठीक है, बायो नहीं। अरे ओ बेटा बिटिया, जरा इधर आ। ओफो, कितनी बार कहा है कॉलेज जाते समय पीछे से मत टोका करो। अरे धोबन का टोकना और बुराइयों का धोना दोनों बराबर होवत है, और वैसन पे तो पढ़ लिख कर कौन तीर मार लेगी। आरी डगरी हाथ में लेके बाकी लोगन की तरह नौकरी ढूंढत फिरेगी। तो से जरूरी बात करनी थी इसलिए आवाज दी। बोल, सुनत है या हम जाओ? अच्छा जल्दी करो, बताओ क्या बात है। अरे पहले ही बात तो तेरे बाप को बताना चाहत रही, पर का करी, तोहार बाप तो निका माँ बेकार है। आरी इस दुनिया में तो कीचड़ भी काम आवत है, पर तोहार बाप कौन काम का नहीं। अब दूसरा तेरा भाई, वो तो बिल्कुल तेरे बाप पर पड़ा है। अब रही तू, तेरी उमरिया इतनी छोटी रहत, अब का करी, कैसे बताए तो है, पर मजबूरी है, बता नहीं पड़ा। सिनेमा के डायलॉग बोलना बंद करो और जल्दी से बताओ क्या बात है। अरे सिनेमा के ढिलोग में जो बात होवत है, वो बात की बात में ना ही होवत। बात ये है कि कल हम तोहार माँ को टीबी के अस्पताल से निकल कर बाहर जा देखत रही। टीबी हॉस्पिटल? मेरी माँ वहाँ क्यों गई थी? अंदर बहुत बड़ा कबड्डी का मैदान रही, वहाँ कबड्डी खेलने जात रही। अरे घामड़, इतना भी नहीं समझत कि लोग अस्पताल में काहे को जावत है। अरे इलाज करवाने। इलाज? हम जो डॉक्टर बाबू के घर का कपड़ा धोवत है, वो ई अस्पताल में काम करत है। डॉक्टर बाबू हमका बताई कि वो तोहर बीमार माँ का इलाज करत है, दुई दुई औलाद का। ऊपर से निकम्मे पति का बोझ उठाए के वास्ते ऊपर से अकेले मेहनत करत करत ऊका सीने में दाग पड़ गए। अगर तुम लोगन के वास रोटी कमाए कमाए के ऊका ई हाल रहा तो एक दिन तुम लोगन तो बच जाओगे, लेकिन ऊ बिचारी मर जाएगी। हम काका आगे तो हार मरती, जो जी में आए वो करो। चल दनिया, हम घर चले, चल।
माँ क्या हुआ, ऐसे क्यों खांस रही हो? कुछ नहीं, दो तीन दिन से सर्दी और खांसी हो गई, ठीक हो जाएंगे। का तू काम करना चाहत है? अरे इस उम्र में तो है कौनो काम ना ही मिले। अरे हाँ, एक ही काम मिल सकत है, अगर तू काम हम तुमका बताए तो तू हमका ऊपर से गालियां दे कि इतना गिरा हुआ काम हमसे करावत है। ना बाबा ना, मैं करूंगी। क्या काम है? हमका अपने मुंह से बतावत अच्छा ना ही लागत, अगर तू राजी है तो तू खुद समझ जाएगी। मगर उस काम में पैसे तो काफी मिलेंगे ना? हाँ हाँ, पैसा तो बहुत मिलत है, मगर सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना है तो है अपनी सेहत का भी तो ख्याल करना पड़े है। कभो कभार बीच बीच में कुछ दवाइयाँ भी खानी पड़ेगी, मतलब कुछ गोलियाँ वोलियाँ। क्या उस काम में मरने का खतरा है? ना ना ना, मरने का खतरा बिल्कुल नहीं, मगर कुछ गड़बड़ होने का खतरा जरूर है। तो फिर मैं करूंगी। अच्छा तो चल हमारे साथ। अरे चल चल, आओ दुर्गा बिटिया, डर के काहे को हो, हम जो तुम्हारे साथ है। क्यों बिजली, कैसी हो? अच्छी हो सेठ जी। वो कहा है? ऊपर है, इसे लाई हो? काहे, ये नहीं चलेगी का? अच्छा अच्छा, ले जा जी। चल दुर्गा ऊपर चल, आओ दुर्गा। सेठ जी, लड़की बहुत छोटी है, क्या करें, पेट में जब आग लगती है तो इंसान उस आग को बुझाने के लिए हर आग में कूदने को तैयार हो जाता है, ये करेगी तो थोड़े ही दिन में आदत पड़ जाएगी। लक्ष्मी अग्निहोत्री, हाँ, सुबह सुबह झूठ बोलने को मई मिला था क्या तुमको? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सचमुच लाया हूँ भाई। हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट उस वक्त तक पैसे नहीं देता जब तक के कोई भेजता नहीं। ओह, क्या पोस्टल डिपार्टमेंट, तुम्हारा पोस्टल डिपार्टमेंट? हाँ? बचपने में खत भेजो तो जवानी में जाके मिलता है, मनी ऑर्डर क्या खाक भेजेगा? देखिए साहब, मेरे सामने मेरे डिपार्टमेंट का अपमान कर रहे हैं, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी पे? हाँ। तो ड्यूटी वाले बाबू जरा एक बात तो बताना। क्या? पिछले महीने मंत्री महोदय जब दौरे पे निकले थे तो कदम कदम पे उनकी रक्षा के लिए पुलिस फोर्स वाले खड़े थे, और तुम जनता का जोखिम लेके निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो, पुलिस फोर्स तो एक तरफ, एक सुखा मरा हुआ हवलदार भी तुम्हारे साथ नहीं है। मंत्री महोदय तो बैल की तरह मुस्टंडे हैं और तुम सूखे मुरझाए हुए खजूर के पत्ते की तरह हो, क्या ये सरकार की बेईमानी नहीं है? अरे कहा की ये मुसीबत गले पड़ गई है, आप कृपा करके इतना बता दीजिए कि लक्ष्मी जी घर पे हैं कि नहीं? इस बात के भी कई पहलू हैं। मान लो कि मैं ये कहूँ कि लक्ष्मी जी घर पे नहीं बल्कि घर खाली करके चली गई है, तो तुम क्या करोगे? तो जिसने पैसे भेजे हैं उसको वापस कर देंगे। वापस कर देंगे? हाँ। और उस आदमी ने मनी ऑर्डर भेजते वक्त जो कमीशन भरा था पोस्ट ऑफिस में, उन पैसों का क्या होगा? जाहिर बात है वो कमीशन पोस्टल डिपार्टमेंट रख लेगा, वापस थोड़ा ही करेगा। वापस नहीं करेगी? नहीं। ये तो फांदेबाजी, जिन्हें हमारा पैसा अपने पास कुछ दिन रखने के बाद जब लौटाते हो तो सिर्फ पैसा लौटाते हो और कमीशन हड़प कर जाते हो, ये तो बेईमानी है। हमारा पैसा अपने पास रखने के बदले तुमको उल्टा हमें ब्याज देना चाहिए जैसे बैंक वाले देते हैं, मतलब एक ही देश में एक ही सरकार की छत्र छाया में बैंक वालों के लिए रूल अलग, पोस्ट वालों के लिए रूल अलग है। खुजाने लग गए, जिंदगी भर खुजाते रहोगे, पोस्टमैन हो पोस्टमैन ही रिटायर होगे, प्रोविडेंट फंड तक नहीं मिलेगा। हाँ। लक्ष्मी, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर? मुझे कौन पैसे भेजने वाला? सवाल मत करो, इससे पहले के पोस्टल डिपार्टमेंट की नियत फिर जाए पैसे ले लो। पोस्टमैन जी, पैसे दे दिए? हाँ जी दे दिए। अब एक बात बताओ, क्या इसका क्या प्रूफ है कि यही लक्ष्मी अग्निहोत्री है? मान लो अगर मैं ये कहूँ कि तुमने सही औरत को पैसे नहीं दिए, ये लक्ष्मी अग्निहोत्री नहीं पार्वती अग्निहोत्री है तो? तुम जाओ भाई, इन्हें तो बोलने की आदत है मैं ही लक्ष्मी हूँ। बहन जी एक बात सच बताइए, ये सचमुच आपके पति है? हाँ, क्यों? आप कैसे निभा रही है इनके साथ, आपकी बर्दाश्त की दाद देनी चाहिए। बहन जी अगर मैं इनकी पत्नी होता ना तो पहले दिन ही खुदकुशी कर लेता। अरे तुम क्या खुदकुशी कर लेते, मैं तुम जैसी निकम्मी औरत को पहले दिन ही गला घोट के मार देता। मैं जाता हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर ही आएंगे इस उम्र में, शमशान में जाकर चिता में लेटने के बजाय लोगों की चिट्ठियाँ बांटते फिर रहे हो, चलो भागो नहीं तो यही मरोगे। चलो क्या कमला टीवी हॉस्पिटल रोड, ये कमला कौन है?
खुशी आज नहीं। अरे हो सकता है तुमने किसी के घर में खाना पकाया हो, उस वक्त उनके पास पैसा नहीं होगा। अब उनकी जमीन ने उनकी आत्मा को जगाया होगा, उनकी आत्मा ने उनके मुंह पे जूता लगाया होगा, तो शर्मिंदा होकर उन्होंने पैसे भेज दिए होंगे। ध्यान रख दो। बताओ, खाना पकाने वालों के मनी ऑर्डर आ रहे हैं, क्या होगा इस दुनिया का? ये दुनिया अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। पता माँ, तुम कभी टीबी हॉस्पिटल गई थी? नहीं तो मेरा मतलब है टीबी हॉस्पिटल के करीब किसी के घर खाना पकाने के लिए? नहीं, मैं तो उस तरफ कभी गई नहीं बेटी। फिर ये कमला कौन है? मैं किसी कमला को नहीं जानती। माँ, इन रुपयों का क्या करोगी? इसे संभाल कर रखूंगी। सिर्फ रखोगी? क्यों? पता नहीं किसने भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, मगर जाने कैसे खर्च कर सकती हूँ। और अगर कभी भी मालूम न पड़ा तो इसे कुछ दिनों तक रखूंगी। फिर दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर उनके चरणों में रख दूंगी। जेंटलमैन, सज्जनों, हजरात पे मत मत जवानों, आप सब लोग खूबसूरत जवानी की शराब पीने के शौकीन हैं और हमने यहाँ पर जवानी की शराब का मैखाना खोल रखा है। तरह तरह की खूबसूरत महबूबाएं लाकर हम लोग आपकी आगोश में डाल देते हैं और आप महान लोग धर्म, जात पात, भाषा, बिरादरी की ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते, इसलिए हमने सारा हिंदुस्तान यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है 24 साल के दरमियान। हुस्न की बारात, आहा हा, आओ मेरी रानी, आओ आए। और ये है कश्मीर की नाजुक सी कली, कम उम्र शर्मीली, और आज तक इस मस्ती भरी जवानी के फूल को किसी भवरे ने छुआ तक नहीं। तो कदरदानों, लगाइए इस नौखेज कली की कीमत, लगाइए 25,000। बड़ी घटिया है चेता तुम्हारी, हम कली बेच रहे हैं, गोभी का फूल नहीं बेच रहे। आगे बढ़ो। 50,000। 1,00,000। डन। हम सारा हिंदुस्तान बेचकर उसकी कीमत लाया सेठ जी। लियो, जियो, खाओ पियो, ऐश करो। सर, 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 बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? हम लोग इस लारी में गोला बारूद भरकर कानूनपुर के उग्रवादियों को बेचने जा रहे थे, अचानक पुलिस ने पकड़ लिया। कैसे कैसे पकड़ा गया? रोको, जरा गाड़ी रोकना भाई। क्या बात है दोस्त? गाड़ी रेत में बुरी तरह से फंस गई है। कोई मदद चाहिए? अगर इतनी सी मदद कर दोगे तो मेहरबानी होगी दोस्त। अरे क्या बात कर रहे हो दोस्त, तुम भी मजदूर, अपन भी मजदूर, अगर मजदूर मजदूर की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? चलो। ये अर्जेंट माल है, पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी यार। कैसे चले जाएगी? मैं पहुंचा देता हूँ। कहाँ पहुंचाना है? पनवेल का चेक नाका क्रॉस करने के बाद मैं सामान के साथ उतर जाऊंगा। फिकर मत करो, माल उतारो, मेरी गाड़ी में रख देते हैं। ये चलो, क्या बात है साहब? हमें तुम्हारी लारी की तलाशी लेनी है। तलाशी? हाँ, हमें खबर मिली है कि तुम्हारी लारी के अंदर गैर कानूनी माल रखा हुआ है। अरे नहीं नहीं साहब, किसी ने आपको गलत खबर दी है? अभी पता चल जाएगा। नीचे आओ। नीचे उतरो। कमल, चलो। अरे साहब, इस सामान के साथ एक आदमी भी बैठा था साहब। हवलदार, माल की तलाशी लो। इसमें हथियार है साहब। हथियार? उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करते हो? सब कसम से हथियार मेरे नहीं साहब। पुलिस थाना चलो, सब पता चल जाएगा। अरे सब मगर चलो चलो। अबे डरता क्यों खून चुके, तूने तो बहुत बढ़िया काम किया, इस काम के लिए तुझे इनाम मिलेगा। वो माल उतना कीमती नहीं था जितना कीमती था वो पकड़े जाने वाला दुश्मन। छोटी सी कीमत देकर हमने अपने रास्ते के सबसे बड़े पहाड़ को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी। सबसे ज्यादा फायदा तो ये हुआ कि माल के साथ वो पकड़ा गया। माल किसका था ये पुलिस नहीं जानती। अब वो हरामखोर हथियारों की स्मगलिंग के जुर्म में सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा और हम यहाँ पर हैया करते हैं। क्या राजा गाड़ी में हथियार ले जा रहा था? नहीं, ये झूठ है, जरूर किसी ने राजा को फंसाने की चाल चली है। हाँ। तुम क्यों मार खाए वो वकील की तरह कानून का खंभा खुरचने की कोशिश कर रही हो? नहीं ये कोई अदालत है, न मैं कोई हाई कोर्ट का जज हूँ, न तुम कोई वकील हो।
उसने स्मगलिंग की है नहीं की है ये मालूम करना अदालत का काम है। तुमको क्या लेना देना है? चुपचाप खड़े रहो। हम पुलिस स्टेशन जाके राजा से उसके बारे में सही मालूम हासिल कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं बेटी, नहीं, हथियार स्मगलिंग करना एक खतरनाक जुर्म है और ऐसे मुलजिम से मिलने की किसी को इजाजत नहीं दी जाती। बहुत सख्त जान मुजरिम है राजा, तुम्हारी जगह कोई और मुजरिम होता तब तक का अपना जुर्म उगल देता। मैं सख्त जान मुजरिम नहीं हूं इंस्पेक्टर, मेरे जान में सख्ती ही मेरी सच्चाई का सबूत है। राजा मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओ हथियार किसके थे, बोलो। और मैं भी आखिरी बार जवाब दे रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। तुम झूठ बोलते हो, तुम नाजायज हथियार सप्लाई करने का धंधा करते हो। नहीं, तुम अपने देश के दुश्मनों के हाथ मजबूत करते हो। नहीं नहीं नहीं, अपने देश अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने देश के लिए जान दे सकता हूं लेकिन देश के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता। जान तो तुम दोगे राजा, कानून तुम्हें तुम्हारे जुर्म के बदले फांसी पर चढ़ा देगा, तुम्हें सजा होगी। तक अकेली ग्रस्ती चलाने वाली, हमेशा दूसरों के आंसू पोंछने वाली, आज पहली बार अपनी आंखों से आंसू छलका रही है। इसका मतलब है कि सब्र और बर्दाश्त का दामन आज तुम्हारे हाथों से छूट गया है। क्या हुआ बताओ, तुम्हें मेरी कसम आपके साथ आपके घर में जीवन बिताते हुए मुझे परेशानियां चलने की कुछ आदत सी पड़ गई है, हजारों तकलीफें सही लेकिन हर तकलीफ हर परेशानी को आपसे छुपाए रखा, लेकिन आज आज कुछ ऐसी बात हुई है जिसका छुपाना मेरे बस में नहीं है, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। बात क्या है लक्ष्मी, कुछ बताओ तो सही। हमारी बेटी दुर्गा कॉलेज जाने के बजाय आजकल कहीं और जाती है। क्या दुर्गा कहीं और जाती है कॉलेज जाने के बजाय? कहां कहां जाती है? मुझे नहीं मालूम। अब तक कितने का मनी ऑर्डर आ चुके होंगे? करीब 1000 रुपए तक। शायद ये रुपए दुर्गा ही भेजती रही है आज तक। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुमने इस बारे में कभी से कुछ पूछा? पूछने पर न जाने क्या जवाब सुनने को मिले, ये सोचकर खामोश रही। इसका मतलब है गलत काम करके पैसे कमा रही है। ये शामू कहां है? किसी सिनेमा की संस्था का फंक्शन है इसलिए वो रात को नहीं आएगा। इसका मतलब है इससे पहले भी वो रातों को बाहर जाता रहा है? ज्यादा करके वो रातों को बाहर ही रहता है। उठाओ दुर्गा को। इस वक्त तो वो सो रही है। आज बरसों बाद विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री जागा है।
उसका एहसास, उसका गुस्सा जागा है। इससे पहले कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, इस रात का सवेरा हो जाए, जगा उसको। मैं कहता हूँ जगा उसको। माँ क्या हुआ, ये आधी रात के समय कौन चिल्ला रहा है? तेरा बाप। इस आधी रात को तुझे नींद से जगाकर बेदार करने वाला है तेरा ये बाप। जब तू पैदा हुई थी तो हमने तेरा नाम उस देवी के नाम पे रखा था जिसकी हम पूजा करते थे, कनक दुर्गा। वही नाम मेरी माँ का भी था। 15 साल वही नाम रखने के बाद आज तूने अपने नाम के आगे से दुर्गा का पवित्र शब्द निकालकर कनक से कलंक बनकर आ गई है तू। इसके अलावा और कितने नाम है तेरे? किस किस जगह पर कौन कौन से नाम से पुकारी जाती है, यही तुझसे पूछना चाहता है तेरा ये बाप। विजयदशमी के मौके पर तेरी माँ ने तेरे हाथ पर ओम नमः शिवाय लिखकर शुभ मुहूर्त निकाला, तुझे स्कूल में दाखिल कराया, पर आज तूने अपनी इस माँ को कारण बताए बिना ही कॉलेज जाना बंद कर दिया। वो कारण क्या है वही तुझसे पूछना चाहता है तेरा ये बाप। इस घर के लिए 4 महीने से जो तू रुपए भेज रही थी अलग अलग पतों से, अलग अलग पोस्ट ऑफिसों से, उस मनी ऑर्डर के लिए तेरे पास रुपया कहां से आ रहा है वो तुझसे पूछना चाहता है तेरा ये बाप। इस देश में पढ़े लिखे डिग्री वालों को 1 रुपया कमाना नसीब नहीं होता है, और तू 15 साल की लड़की, तूने 4 महीने में 1000 रुपए कमा लिए। इतनी सी उम्र में इतने सारे रुपए तूने कहां से कमा लिए ये भी तुझसे जाना चाहता है तेरा ये बाप। ऐसी कौन सी शानदार नौकरी तुझे मिल गई है जिसके लिए कार तुझे लेने आती है और कार तुझे छोड़ के जाती है? बता वो कार किसकी है? बेशरम बेहया, आंखों में आंखें डाल के देखती है। आगे नीचे क्या हक है आपको मुझे मारने का? आप होते कौन है मुझे मारने वाले? कभी मुझे खाना खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, पहनने को 1 जोड़ी कपड़ा दिया, कभी मेरी अच्छाइयों पर खुश हुए, मेरी बुराइयों पर मुझे डांटा? गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो तेरा बाप, तेरा बाप, तेरा बाप। बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया है आपने? सिर्फ इस माँ के कहने पर मैं आपको अपना बाप कहती हूँ, वरना आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर सिर्फ मुझे जन्म देने से आप अपने आप को मेरा बाप समझते हैं तो ये भाव जाकर मेरी माँ पर जमाइए, मुझ पर नहीं। आपके होने से किसी को क्या फायदा? आप इस घर में अपनी पत्नी के लिए, अपनी औलाद के लिए, बल्कि इस धरती के लिए बोझ है। तुम वो कांधा हो जो घर का बोझ उठाने की बजाय खुद घर पर बोझ बनकर बैठे हुए हैं। और हाँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है अपनी मर्जी से। अगर मैं गलत काम करके पैसे कमाती हूँ तो वो भी अपनी मर्जी से, और ये आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी पत्नी को चूल्हे में ढकेल कर, दूसरों के बर्तन मंजवा कर, दूसरों के मैले कपड़े धुलवा कर टीवी का मरीज बना दिया, और खुद दिन भर चबूतरे पर बैठे रहते हो, अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर लेक्चर देते हो, रशिया ने रॉकेट चांद पर भेज दिया उस पर भाषण देते हो, हर आने जाने वालों को अपने कड़वे जुमलों से तंग करते रहते हो, और फिर मुझे आधी रात को नींद से जगाकर सवाल करते हो। मुझसे सवाल करने से पहले एक मर्द बनकर दिखाइए, एक बाप बनकर दिखाइए, एक पत्नी का पति बनकर दिखाइए। अपनी मेहनत से पहले 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया कमाकर इस घर में लाइए, फिर मुझसे सवाल कीजिए, और तब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। गुड नाइट। के दौर में जीवन के है मौल जुदा।
से जुदा। पश्चिम दोनों रह कर पास जुदा। सवेरे सवेरे कहां चल दिए? मैं चाय लेकर आती हूं। पिताजी गरम गरम पीती कर जाना, मैं चाय लेकर आती हूं। सुना आपने? पिताजी आज आपने जोकरों जैसा ड्रेस क्यों पहन रखा है? रात भर तुम घर में नहीं थे, कहां थे? पिताजी आप जिंदगी में पहली बार मुझसे पूछ रहे कि मैं कहां था। मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम रात भर घर में नहीं थे, कहां थे? जी वो कल रात फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन का फंक्शन था, मैं वहीं गया था। पिताजी 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 किसे कहते हैं पिता का मतलब क्या होता है ये मुझे कल आधी रात को पता चला और तब मैंने अपने आप को पहचाना। रब मैं तुमको तुम्हारी हैसियत बता रहा हूं, जहां अपने आप से अपनी रोटी पैदा करो उस काबिल बनो तब इस घर में आना, वरना नहीं। अभी के अभी मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी पिताजी? अगर नौकरी नहीं मिलती तो शमशान में जाकर मुर्दों के लिए लकड़ी काटो और पैसा कमाओ, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो मर जाओ। अपना बोझ खुद उठाना सीखो, दूसरों पर बोझ मत बनो। That class you good for nothing, bloody parasite, out! पिताजी
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं बीए पास हूं, मुझे नौकरी चाहिए। इससे पहले क्या करते थे आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं? बिना एक्सपीरियंस के कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। जाइए जाइए। 60 साल की उम्र में नौकरी मांगने निकले? इस उम्र में लोग रिटायर होते हैं, तुम काम करने निकले? हटिया गए हो क्या? चलो जाओ यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं है। आओ जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। हाँ। अरे पीछे वाले तुम जल्दी करो, जल्दी आओ, ये पकड़। लक्ष्मी, ये लो रुपए। ना मैंने चोरी की है, ना किसी को धोखा दिया है, ना किसी से झूठ बोला है, ना किसी के आगे हाथ फैलाया है। ये तुम्हारे पति की अपनी मेहनत की कमाई है, जो उसने मजदूरी करके लोगों का बोझा उठा उठा के कमाया है। ये विश्व प्रताप ज्ञान देव अग्निहोत्री की बरसों बाद की पहली कमाई है। लो लक्ष्मी, लो इसे भगवान के चरणों में रख दो। लो पिताजी। हाँ, मैं तेरा पिता हूं। तूने कहा था ना, एक मर्द की तरह, एक पति की तरह, एक बाप की तरह 1 रुपया कमा के लाना और फिर मुझसे पूछना कि मैं क्या गम करती हूं। आज मैंने एक मर्द की तरह, एक बाप की तरह रुपया कमाया और अब तुझसे पूछता हूं कि बता तू क्या काम करती है, कहां से लाती वो पैसे? सुनिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए उस बात को। नहीं मां, तुम बीच में मत बोलो, ये हम बाप बेटी का मामला है। आज इन्होंने बाप बनकर बाप की तरह पूछा है, तो मैं भी इन्हें बेटी की तरह जवाब दूंगी। इन्हें बताऊंगी कि मैं वो पैसे कहां से कमा के लाती थी। आइए चलिए मेरे साथ। सावित्री देवी, ये मेरे पिताजी हैं, ये देखने आए हैं कि इनकी बेटी रोज कहां जाती है। पिताजी, ये सावित्री देवी है, इन्हें कोढ़ हो गया है, इसलिए कोई इनके करीब नहीं आता, कोई इनकी सेवा नहीं करता, यहां तक कि नौकरों ने भी इनके करीब आने से इनकार कर दिया। मैं इनके यहां काम करने को राजी हो गई। मैं इनके कपड़े धोती हूँ पिताजी, इन्हें स्नान कराती हूँ, इन्हें कपड़े पहनाती हूँ, अपने हाथों से इन्हें खाना खिलाती हूँ, और हर रोज मुझे यहाँ लाने और वापस छोड़ने के लिए ये कार भेजती है, अच्छी पगार देती है, जो मैं किसी और नाम से मनी ऑर्डर करती रही। अब आपको यकीन हुआ कि आपकी बेटी हर रोज कहाँ जाती है, क्या काम करती है? और ई काम पर हम इसे रखे है बाबूजी। हम गरीब जरूर है, पर इससे नीच नहीं जो तुम्हारी बिटिया को किसी गलत रास्ते पे डाल दे। बाबूजी, मैं एक मजबूर अपाहिज औरत, जिसे सबने ठुकरा दिया, यहाँ तक के मेरे पति ने भी, जिन्हें मैं अपना देवता समझती थी, और ऐसी मजबूर ठुकराई हुई औरत की सेवा आपकी बेटी करती रही। आपकी बेटी बहुत महान, बहुत नेक है बाबूजी। अरे भगवान, तूने मुझ जैसे नाकारा और बेकार इंसान के दामन में कैसे कैसे मोती डाले और मैं कमबख्त उनकी कदर तक न कर सका। अरे मेरी औलाद नहीं है, ये तो देवी है। अगर मैं सारी जिंदगी इसके पैर धो धो के पीता रहूं, फिर भी शायद मेरे पाप नहीं धुलेंगे। बेटी, अरे तू जैसी माँ इस दुनिया में नसीब वालों को मिलती है, तो तुम उसको बेटे की शक्ल में नसीब हो गई। बेटी, तू पढ़, तू डॉक्टर बन के ऐसे माजूर लोगों की सेवा कर। तेरा ये बूढ़ा बाप, ये मुद्दतों से बेकार बैठा हुआ घिनौनी बातों में वक्त जाया करने वाला ये ना करा इंसान, यह काम करेगा, अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपने बेटे की सेवा करेगा।
आज मुद्दतों बाद ये बूढ़ा जगा है, मगर उसका शुक्र है कि मौत की नींद आने से पहले जागा है। क्षमा करे विवेक, क्षमा करे बेटी। अच्छा आप ये बताइए, हाँ? मैं आपके लिए नाश्ता क्या बनाऊं? टोस्ट बटर जैम या टोस्ट आमलेट? पराठा। चार परत का या आठ परत का? 24 परत का, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारी माता जी बनाया करती थी। अच्छा, साथ में आलू की भाजी बनाऊं या मटर पनीर? चने की दाल तड़के वाली। अरे तुम्हें क्या पता कि घर की दाल खाने में क्या मजा है? जैसा हम कहते हैं वैसा करो, क्योंकि हम इस घर के राजा हैं और तुम इस घर की रानी। और मैं? तू इस घर की राजकुमारी और हम राजकुमारी के दादा। देखा, सीमा के हॉस्टल छोड़ के घर आ जाने के बाद आज पहली बार ये घर घर लग रहा है। सीता, क्या है? मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मुझे रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल में नौकरी मिल गई। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। राजा को बाहर लाओ, कोर्ट का वक्त हो गया है। खोलो। दरोगा बाबू, दरोगा बाबू। क्या बात है? एक लियो नाम का लुच्चा गुंडा एक दुर्गा नाम की बिटिया को उठाई ले गया। आप कुछ भी करके उसकी इज्जत बचाई लो, वरना वो खतरनाक लुच्चा लफंगा बेईमान दरिंदा उसकी इज्जत को खाक में मिलाई देगा। डोंट टच, ये देखने की चीज है, छूने की नहीं। ये उजली जवानी का शीशा है जो छूने से मैला हो जाता है। ये वो जवानी की शराब है जिसको खरीदने के लिए साधु अपनी तपस्या बेच देता है। तो देखें आप लोग क्या बेचकर इसे खरीदते हैं। अरे वो ट्रैक्टर वाले हैं। एक मिनट रुक, जरा एक मिनट बात सुन। क्या बात है? फूलों के गुलदस्ते की कीमत लगाइए। 25,000। भिखारी है क्या? मैं तुझे हुस्न की परी बेच रहा हूँ। साले 25,000 में तो आजकल गदी नहीं मिलती। गदी आगे बढ़, आगे बढ़।
नहीं तो तुम्हारी प्यारी लोलिया के भेजे में गोली उतार देंगे। इससे पहले हम तुझे यही ढेर कर देंगे। नहीं, इस हराम के पिल्ले से मुझे अपना पुराना हिसाब चुकाना है। जाएगो, इसे मार मार के इतना तड़पाओ कि साला मौत की भीख मांगने लगे। तूने हमारे आदमी पे हाथ उठाया तो ये जिंदा नहीं बचेगी। बज गया साले का बाजा, बेहोश हो गया साला। उतार दो गोली इसके सीने में। नहीं, नहीं। औलाद का दूसरा नाम है राजा। फंस गया। आ
चाहते हो और बहकर सुहाग लूटना चाहते हो। मुझ दुखियारी पे दया करो भैया, मेरे पति को मत मारो, मत मारो। देखिए, मेरी तरफ देखिए, मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि आपके पापों की सजा मुझे दे। ये आप ही के गुनाह हैं जो मेरे शरीर से कोड़ बन के फूटे हैं। भगवान के लिए अब भी अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए। आज तक आप अपनी जिंदगी किसी और ढंग से गुजारते रहे, अगर आज से अपनी जिंदगी का एक नया दौर शुरू कीजिए। सावित्री, बच्चों मुझे कोड़ है। नहीं सावित्री, नहीं, ये कोड़ नहीं, मेरी गंदी जिंदगी के लिए अमृत है। मैं भटक गया था सावित्री, मैंने इंसान से शैतान का रूप धारण कर लिया था। सावित्री मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सावित्री। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला तो पकड़ लो इसे और इसके साथियों को। राजू, पुलिस को इन बदमाशों के अड्डे तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तुमको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा क्योंकि तुम पुलिस की हिरासत से भाग कर आए, और वो जुर्म है। जुर्म तो है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अगर आप लोग अपना काम खुद कर लिया करें तो हम जैसों को पुलिस की हिरासत से भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद। चकली, केले, कुरमुरे, चनागरे, चकली, केले, कुरमुरे, चनागरे। जरा 10 पैसे की चक। पिताजी, आप चकली के ए, चकली इधर इधर आजा आजा। हाँ, रख दे रख दे रख दे। ये चकली कैसे थी? 2 के 20 पैसे। 2 के 20 पैसे? पहले 10 पैसे में 1 मिलती थी, अभी 20 पैसे में 2 मिलने लगी। खैर, 2 देना। ये केला कितने का? 20 पैसे का एक। भाई बहुत सस्ता माल बेचते हो, तुम्हें घर में कुछ बचता है कि नहीं? खैर, ये चकली ले लो, एक केला दे दो। मेरी मुनिया केला खाएगी, मेरी पिनिया केला खाएगी। बहुत बहुत बढ़िया केला है। तुम्हारे बाप का है? नहीं, बसीन का है। बसीन का है? अरे भाई, बसीन के केले तो सेहत के लिए एकदम अच्छे होते। तुम भी निहार मुंह खाया करो, सबेरे पेट एकदम। क्यों? अच्छा चलते हैं। अच्छा, अरे मगर पैसे? पैसे कैसे? पैसे ये केले के पैसे? अरे तुम्हें चकली दी तो केला लिया ना, तो चकली के पैसे? चकली तो तुम्हें वापस। ये तो सुनो लगता है यार। अरे मगर, अरे अगर मगर का है का? हिसाब सीधा सा है। लाओ एक चकली मुझे भी दो। ये लो। हाँ तो हिसाब ये हुआ कि चकली इन्होंने वापस रख दी, उसके बदले में केला लिया। मतलब केले की कीमत चकली और चकली तुम्हारे पास है, तो इन दोनों के बीच में पैसा कहाँ से आया? ये बात एक फिल्म में कादर खान ने कही थी, जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। याद रखना, इस तरह से धंधा करोगे तो नुकसान ही उठाओगे, इसलिए जरा होशियारी से काम किया करो। अरे मगर तुम क्या कर रहे हो? क्या छुपा के रखा है? कुछ नहीं है। तो तुम्हारी चकली के पैसे? बहुत शुक्रिया जी। उस चकली के हिसाब में हमें भी तो केले दे दो। लो चकली।